ये जो इल्म है मर्दम शनासी का या पर्सनैलिटी टाइप का, इसने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी। ऑल टाइप्स आर गुड ना, अच्छी टाइप कोई नहीं होती। हमें शुरू में अपनी टाइप बहुत अच्छी लगती है, कुछ दिनों बाद समझ आती है कि नहीं बाकी भी टाइप अच्छी हैं। टाइप जो है वो आपकी फितरत बताती है, उसको डिवेलप करना होता है ना। शेर का बच्चा जब पैदा होता है तो वो धाड़ने की सलाहियत लेके पैदा होता है, मगर धाड़ता नहीं है, उसको फिर ज़िंदगी में धाड़ना सीखना होता है। मर्द के लिए रिस्क कमाना या अपने घर वालों के लिए रिस्क अरेंज करना, ये अल्लाह ने जिम्मा लगाया। ज़्यादा सोचना एक अलग चीज़ है, मगर ज़्यादा सोच के काम ना करना ये एक अलग बीमारी है, लेकिन बग़ैर सोचे काम करना ये उससे बड़ी बीमारी है, नुकसान ही होगा हमेशा। वर्ड जो कैरियर, एक वर्ड है, आई मीन इज़ इंग्लिश वर्ड, करियर काउंसलिंग की पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं थी। 100 साल पहले इसकी ज़रूरत ही नहीं होती थी। क्यों? हाँ, क्या थे वो, क्या ऑप्शंस थे पहले? खेती बाड़ी, फौज या उस्ताद, 3-4 थे। तो अमूमन लोग उसी में, पूरा शहर खेती बाड़ी में है तो खेती बाड़ी में, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई तो उसमें है, तो ऑप्शंस बहुत कम थे, तो उसमें इतना इशू नहीं था, यानी अक्सर दुनिया के इलाकों में इसका इशू नहीं था। और साइकोलॉजी वैसे भी ज़्यादा पुराना इल्म नहीं है, ये 100-150 साल पुराना है, पहले ये फ़िलासफ़ी का ही हिस्सा हुआ था। लेकिन जिस तरह से स्पीड ऑफ चेंज तेज़ हो रही है ना, इतनी जल्दी जल्दी अब चेंज आ रही है कि बहुत ज़रूरी हो गया है रहनुमाई करना। रहनुमाई की ज़रूरत बहुत बढ़ गई है, क्योंकि इतनी चीज़ें हैं और हर आदमी हर कुछ नहीं सीख सकता, और उसको बहुत जल्दी अपने आप को अनलर्न और फिर यानी एजुकेट करना पड़ता है। और क्या टाइम कहाँ लगाए, असल लड़ाई टाइम की है कि आप अपना वक्त कहाँ लगाएं। तो वो अगर गलत जगह लग जाए तो ये बहुत बड़ा लॉस है। पैसों का तो खैर है ही है, मगर वक्त का लॉस है कि आपने अपना टाइम वहाँ लगा दिया जहाँ लगाने का इतना फ़ायदा नहीं है। तो सर ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की माशाल्लाह, तो मैं इसलिए मैंने प्रेजेंटेशन चेंज की कि वो बातों की अब हम आगे चलें उससे। तो कैरियर और ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन में क्या फ़र्क है? कैरियर, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, इनमें क्या फ़र्क है, कोई बता सकता है? ये भी सुनो, कैरियर भी एक चीज़ होती है, ऑक्यूपेशन क्या है आपका, प्रोफेशन क्या है आपका, इनमें फ़र्क क्या है? लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। कैरियर फुल लाइफ के बारे में आ जाएगा, ठीक है, और प्रोफेशन जो है वो आपको जिस टाइम में आप रह रहे हैं उस टाइम में कमाने का जरिया, पैशन जुनून है। ऑक्यूपेशन वो भी पेशा ही हो गया है ना, तो बात सही है। कैरियर इज़ अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, कैरियर इज़ अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। ये कैरियर मैनेजमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कि आप किस नाम से अपने पहचवाना चाहते हैं अपने आप को ना, आप क्या चाहते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये आदमी कौन है, तो डेट इज़ कैरियर, कि आप पूरा एक सफ़र कहाँ गुजारें। प्रोफेशन इज़ आप पेशा किसको बनाते हैं, किस चीज़ से आप अर्न करते हैं, इट्स रिलेटेड विथ योर रेवेन्यू, जिससे आप अपना गुजर बसर करते हैं, और उसी को फिर ऑक्यूपेशन भी कह देते हैं प्रोफेशन को। तो प्रोफेशन एंड कैरियर जो है ये भी रिलेटेड टर्म है, लेकिन कैरियर इज अ होलिस्टिक टर्म, कि ये लॉन्ग टर्म में आपको। अच्छा, एक वर्ड है कैरियर प्लानिंग और एक वर्ड है कैरियर मैनेजमेंट। पहले जोर था 10-15 साल पहले जब मैंने थोड़ा सा कैरियर पे काम शुरू किया, तो कैरियर प्लानिंग लोग करवाते थे, जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कैरियर प्लानिंग की बात करती थी। तो उसके वो 4 स्टेप्स बताते थे कि भाई डिस्कवर, डिस्कवर योर सेल्फ, एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, टेक डिसीशन एंड प्लान। डिस्कवर, एक्सप्लोर, मैं वो स्लाइड दिखा दूंगा थोड़ी देर में, डिस्कवर, एक्सप्लोर, डिसाइड एंड एक्शन। यानी एक्शन मस्ट बी आफ्टर डिस्कवरी, एक्सप्लोरेशन एंड अ वाइज डिसीशन, उसके बाद एक्शन लें। हम अगर डायरेक्ट एक्शन में आ जाएं तो ज़रा रिस्क बढ़ जाते हैं, तो इन्हीं चीज़ों के मशवरे देने होते हैं।
अच्छा, ये करियर प्लानिंग, करियर गाइडेंस जो है, ये हर मुल्क में इसकी, जो मुल्क जितना डेवलप है वहाँ उतनी ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, है ना। अच्छा, डॉक्टर्स की भी करियर गाइडेंस होती है यूके में, अमेरिका में, क्योंकि वो इतने सब स्पेशलिटीज़ आ गई हैं आफ्टर MBBS कि अमेरिका में तो 100 से ज़्यादा सब स्पेशलिटीज़ हैं कि आप उसमें जा सकते हैं। यूके में भी अराउंड 70, पाकिस्तान में भी अराउंड 70 स्पेशलिटीज़ हैं जिनमें आप MBBS करके जा सकते हैं। ये जो इल्म है मर्दम शनासी का या पर्सनैलिटी टाइप का, इसने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी हैं। बहुत सारे मुश्किल काम को जो लोग साइकोलॉजिस्ट बहुत मुश्किल तरीके से करते थे, इंटरेस्ट देखते थे, बहुत सालों तक तो इंटरेस्ट ही देखते रहे, बल्कि अभी कुछ दिनों पहले तक इंटरेस्ट इन्वेंट्री अभी भी यूज़ करते हैं, 16 PF एक टेस्ट है वो यूज़ करते हैं, और फिर 16 PF अलग है और एक 6 इंटरेस्ट बेस्ड इन्वेंट्री है, उसको स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंट्री कहते हैं, SII, वो भी करियर में यूज़ करते हैं। लेकिन जब से टाइप पॉपुलर हुई ना, तो फिर वो, क्योंकि टाइप से ही हर चीज़ ओरिजिनेट करती है, इंटरेस्ट भी टाइप से ही पैदा होता है, तो जैसे जैसे माशरे को टाइप समझ आती गई, तो फिर हर जगह फिर टाइप ने उसको तकरीबन रिप्लेस कर दिया। तो सर ने जो बातें की हैं बड़ी जामे बातें हैं, काफ़ी हद तक उन्होंने टाइप की बातें भी बता दी, तो मैं ये कोशिश करूँगा जो मेरे पास टाइम है उसमें मैं आपको बात बिल्कुल सही है कि अगर अगले 20-25 दिन आपने अपने आप को नहीं समझा। अच्छा, मेरी एक वेबसाइट है knowyourself.pk, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो मैं उसको प्रमोट नहीं करता, लेकिन उस पर डेटा बहुत है, तो आप लोग चूंकि प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो उस टाइप में जाके ना, उसमें 4 स्टेप्स सेल्फ लीडरशिप के दिए हैं, उसमें 4 स्टेप। पहला है डिस्कवर योरसेल्फ। डिस्कवर हम उस चीज़ को कहते हैं जो पहले से मौजूद हो, आप जाके उसको डिस्कवर कर ले। फिर है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड योर डिस्कवर के, डिस्कवरी का मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी समझ आ गई है, नहीं, अंडरस्टैंड करें अब उसको, जो चीज़ अल्लाह ने दे दी है वो पता चल गई है आपको, तो अब उसको समझें, अपने हर बिहेवियर को समझें, क्योंकि ये टाइप जो है ना, ये सोचे हैं, थॉट पैटर्न है आपका, हार्ड वायरिंग है आपकी पूरे बॉडी की, तो इसको पढ़ें, पढ़ने में टाइम लगता है, क्योंकि अगर आपका अपना आप आपके काबू में नहीं है, है ना, आप खुद एक कामयाब इंसान नहीं है, तो आप किसी को कैसे काउंसिल कर सकते हैं, है ना। कम से कम कामयाबी की तो चले दर्जात होते हैं, मगर सेल्फ कंट्रोल तो आपको अपने ऊपर होना चाहिए, तभी आप अगले को, ड्राइविंग आती होगी तो ड्राइविंग सिखाएंगे ना, अपनी गाड़ी तो सही से कंट्रोल से चलाएं, तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें तपस्या करनी पड़ेगी आपको, पढ़ना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन, रीडिंग, रिफ्लेक्शन, लिसनिंग वीडियोस, तो इस पे मैंने काफ़ी काम जमा किया, मेरा लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, वो सब मैंने लोगों का ही इसमें जमा किया, और रेफरेंस भी कुछ किया, सबका दे दूँ मैं। अच्छा, तो अपने आप को जान के फिर अपने आप को समझें, और फिर डिवेलप करना शुरू करें, डिस्कवर, अंडरस्टैंड, और फिर जैसे अमेरिका दरियाफ्त किया कोलंबस ने, फिर उसके बाद जो लोग आए उन्होंने उसको समझा कि भाई ये कितना बड़ा कुर्रा अर्ज है, भाई ये तो बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, डिस्कवर हुआ, अंडरस्टैंड हुआ, फिर उन्होंने उसको डिवेलप करना शुरू किया, भाई वो तो बहुत ज़बरदस्त मुल्क बना दिया भाई हैं, और उसके बाद फिर एक्सीलेंस की तरफ जाएँ, आपके आप सुपर पावर ही बन जाए ना, आपके मैंने तो बस नंबर वन ही बनना है, तो ये स्टेजेस में होता है ना। तो ये 4 स्टेप अगर आप अपने ऊपर रखेंगे तो आप भी बड़े माशाल्लाह ज़बरदस्त हो जाएंगे, और ये किसी और के लिए भी रखेंगे तो आप उसको भी बहुत अच्छा डिवेलप कर देंगे। अच्छा जी, आप लोगों के जहन में जो सवालात हो ना, वो मेरे लिए बहुत कीमती हैं, तो वो आप लोग जैसे ही कोई सवाल आपके जहन में आए ना, उसको फौरन जगह न दें, पूछ लें, क्योंकि जे और पी दोनों लोग हमारे साथ हैं, तो बाद लोग क्वेश्चन आंसर्स आखिर में रखते हैं, लेकिन मैं ये प्रेफर करता हूँ कि सवाल को ना, कंफ्यूज्ड स्टेट अच्छी होती है बुरी होती है? बहुत अच्छी होती है। क्यों? तो वो आपको
तैयार करती है कोई पैसा लेने के लिए या कुछ डिसीजन लेने के लिए? हाँ, यानी कंफ्यूज स्टेट से निकल जाना चाहिए आप, उसको आप कंफ्यूजन को सॉल्व करें, क्योंकि कंफ्यूजन जो है वो आपको काम नहीं करने देती, फैसला नहीं करने देती। जब आप कंफ्यूज हैं आप फैसला ही नहीं करेंगे या गलत करेंगे। कंफ्यूजन इज़ अ डेंजरस स्टेट ऑफ माइंड, बट अ गुड स्टेट। कि चलो आप गलत मंजिल पे पहुंचने से अच्छा है कि आप कंफ्यूज हैं अभी, गलत काम करने से तो बहुत अच्छा है कि आप अभी कंफ्यूज हैं। लेकिन भाई कंफ्यूजन दूर करें और सही काम करें ना, ये बहाना कब तक चलेगा कि हम तो भी कंफ्यूज ही हैं। तो कंफ्यूजन इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि अगर आपको ये अंदेशा है कि आप गलत काम कर लेंगे तो रुके रहें भाई, ना करें। लेकिन उस स्टेट को दूर करें और क्लैरिटी लें कि व्हाट इज़ द राइट पाथ। सबसे पहले अल्लाह से मांगें, अल्लाह रास्ता दिखाता है कि सही चीज़ क्या है, है ना। तो कन्फ्यूजन इज़ डेंजरस स्टेट, बहुत ख़तरनाक है, मगर उसका हल अल्लाह से मांगे। मैं छोटा सा, मैं कुछ अरसे तबलीगी जमात के साथ रहा, अभी भी हूँ, अब पहले बहुत ज़्यादा रहा मेडिकल में, 5 साल समझे मैं बुज़ुर्गों के साथ रहा। तो मुझे जब बुज़ुर्गों के साथ रहा तो मुझे बहुत सारे लोग गलत लगते थे, मैंने कहा ये तो सही नहीं कर रहे। तो वो बुज़ुर्ग कहते थे किसी से कभी बहस नहीं करना। मैंने कहा एक आदमी गलत कर रहा है तो मैं क्यों नहीं बहस करूँ? कहते थे उसके लिए दुआ करो बस। तो वो कहते थे, मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने कई मुझे वाकया सुनाए, कहने लगे कि किसी से बहस करोगे ना तुम जीत जाओगे तो वो हार के कभी तुम्हारी बात नहीं मानेगा, उसको जीतने दो। तो यानी लोगों को वो करो, क्या कहते हैं, हर्ट नहीं, घायल करो, मायल नहीं करो, घायल करो। हमारे नबी घायल करते थे, है ना, हुंजा को घायल कर दिया, है ना। हुंदा जानते हैं, जिसने उनके चचा का कलेजा चबाया था, उसको फतेह मक्का पे घायल हो गई, वो मस्जिद नबी आई देखा तो दुआएं कर रहे हैं उसके लिए, तो सुबह आके वो मुसलमान हो गई। इसी तरह बहुत सारे वाक़यात हैं, वो पड़ोसी औरत कचरा फेंकती थी वो मुसलमान हो गई। तो घायल, उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त तजुर्बा मेरा रहा कि मैं जब भी किसी से पूछता था कि मैंने कहा भाई ये सही है कि जैसे आजकल लोग कहते हैं भाई नून लीग सही है या पीपल्स पार्टी सही है या इमरान खान सही है, कोई भी सही है, तो एक सवाल है ना, एक एक, एक महफिल का सवाल है भाई सही सियासी पार्टी कौन सी है, एक सवाल है। तो मैं कहता था यार ये सही मजहबी जमात कौन सी है ना। तो वो कहते थे यार अल्लाह से ये दुआ करो कि जो सही है तुम उसमें कुछ वक्त लगा लो, ये सवाल हमसे नहीं पूछो, ये सवाल हमसे नहीं अल्लाह से पूछो। बोलो अल्लाह ज़िंदगी छोटी सी है, मुझे मुझसे वो काम ले लें जो सही है, मैं ये वक्त कहीं गलत जगह लगाऊँ ना सीखूँ वहाँ लगा दूँ जहाँ आपको पसंद आए, बस ठीक है ना। तो ये जो कन्फ्यूजन है ना, इसको अल्लाह से मांग लिया करें, अल्लाह समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, फिर अल्लाह आपको रास्ता दिखाए। ये अल्लाह के लिए ज़रूरी हो जाता है, अगर बंदा अल्लाह से मांगे ना तो अल्लाह उसको, अल्लाह कहते हैं अगर मैं नहीं दिखाऊंगा तो मुझ में। और फिर है ना, एक औरत सनम सनम कर रही थी, करते करते उसने क्या कह दिया, समद। तो अल्लाह ने फौरन जवाब दिया, ये तो काफिर है। उसने कहा भाई अगर मैं भी जवाब ना दूँ तो इसके सनम में और समद में फ़र्क क्या रहेगा, तो आप तो अल्लाह से मांगेंगे। तो ये हल है, कामयाबी जो है वो सिर्फ अल्लाह देते हैं, है ना। गुमान पे फैसले करते हैं और तकवे वालों को वहाँ से देते हैं से गुमान भी नहीं होता। आप कसम खुदा की, हम कैरियर की सक्सेस की बात करें ना, अल्लाह तकवे पे वहाँ से देते हैं। देखिए आपने एक तरफ गए वहाँ से मिल गया, ये तो गुमान था वहाँ से मिल गया, लेकिन अगर आपके अंदर तकवा है तो आपको वहाँ से देंगे, यानी ये स्पेशल ट्रीटमेंट है ना, VIP ट्रीटमेंट, जहाँ से आपने सोचा भी नहीं हो, ये अल्लाह का एक ख़ास करम है। तो ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमें हमारे अंदर बिलीफ ऑफ, वो जो स्टीवन कभी बात करता है ना कि अनलिमिटेड रिसोर्सेस, स्टीवन कभी को पढ़ा है आप लोगों ने, है ना, वो अबंडेंट, मैं भूल गया वर्ड, अबंडेंट रिसोर्सेज की बात करता है। वो कहता है दुनिया में रिसोर्सेज कम नहीं है, दुनिया में रिसोर्सेज
अगर कम होंगे ना तो हमें होगा कि उसने ले लिया तो मेरे लिए क्या बचेगा भाई, उसने ले लेगा सारा। बात सही है ना, मगर ये बात अल्लाह ने कहा जन्नत में सोचो, यहाँ अबंडेंट है, इतना है कि वो हमने सुना बड़ों से बुजुर्गों से कि अल्लाह दुनिया के हर शख्स को उसकी मन चाही भी दे दें, जो वो मांगता है वो दे दें हर शख्स को। तो अल्लाह के ख़जाने ऐसे हैं कि जैसे समुंदर में आप सुई डालते हैं ना, तो एक कतरा सुई का समुंदर से बाहर आ गया, कम हो गया ना, समुंदर में एक कतरा कम हो गया। लेकिन अल्लाह दुनिया वालों को सब कुछ दे दें जो वो मांग रहे हैं, सारी करोड़पति सोना चांदी दे दें, तो भी अल्लाह के ख़जाने में उतनी कमी नहीं आती जितना एक सुई को समुंदर में डालें तो एक कतरा कम हो जाता है समुंदर में। तो हम तो उस अल्लाह के मानने वाले हैं, और हम अगर इल्म ना बांटें और ये सोचें कि यार ये मुझसे आगे निकल जाएगा तो मेरा क्या होगा, ये समझ में आने वाली बात नहीं। तो ये बिलीफ सिस्टम असल आपको आगे लेके जाएगा, है ना, क्योंकि आपने अल्लाह से लेना है और अगले को भी अल्लाह से ही दिलवाना है ना, उसको भी अल्लाह ही देगा, जरिया अल्लाह ने आपको बनाया, आप उसकी कैरियर गाइडेंस कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो किसी को अगर अभी कल भी एक साहब आए, वो कहने लगे मेरा बेटा ऐसा है क्या करूं, सारी जायदाद उसने मुझसे ले ली और ये हो। तो मैंने कहा हर बाप की ख्वाहिश होती है कि बेटा उससे आगे निकले, तो सही है, तो आप उसको तालीम पे तवज्जो दें और उसको कहें बेटा तू, क्योंकि और कोई रिश्ता ऐसा नहीं है, है ना, अनलेस कि कोई बहुत दीनदार। तो आपकी ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि आपका जो स्टूडेंट है, आपका जो शागिर्द है, आपका जो जिसकी आप काउंसलिंग कर रहे हैं, वो आपसे बहुत आगे निकल जाए, ये आपकी खुशी का ज़रिया होना चाहिए। और अगर ये काम आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं, अगर आप ये नियत आज कर लेते हैं अल्लाह मैं जिसको भी मशवरा दूंगा इखलास के साथ सच्चाई के साथ और आपको राज़ी करने के लिए, मखलूक अल्लाह का पक्की बात है ना, अल्लाह ने इंसानों को अपने हाथों से बनाया, मखलूक अल्लाह का कुंबा है चाहे किसी मज़हब का हो, है ना। तो अगर आप इंसान की खैरखाई चाहते हैं तो अल्लाह खुश नहीं होंगे, खुश हूँ। तो इस नियत से अगर आप ये काम करते हैं करियर गाइडेंस का, किसी को रहनुमाई देते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा सदका जारिया है कि आप नहीं होंगे और आप लोग नेकी कर रहे हैं, अपने फैमिली के लिए पैसे अर्न कर रहे हैं और वो खुश खुश हैं, बीमारियों से बच रहे हैं। अच्छा जी, तो ये बुनियादी बिलीफ बहुत ज़रूरी है करियर, एक मुसलमान करियर काउंसलर के, कि वो अपने शागिर्द को अपने से आगे देखना चाहे, है ना, और निगाह अल्लाह की ज़ात पे हो कि देना तो मुझे भी अल्लाह ने है, इसको भी अल्लाह ने, और मुकाबला मांगने पे है कि कौन कितना ज़्यादा अल्लाह से मांग सकता है, मुकाबला मांगने पे है, आप बड़ा मांगे उससे भी बड़ा मांगे उससे भी बड़ा मांगे, उसके तरीक़े बताए अल्लाह ने कि कैसे कब मांगो कैसे मांगो, वक्त बताया दुआ का, अल्फाज बताया दुआ के, सबसे पसंद क्या है अल्लाह को, कौन सी दुआ अल्लाह को बहुत पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद, बहुत नहीं, अल्लाह को कौन सी दुआ सबसे ज़्यादा पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह कहते हैं मेरा शुक्र अदा करो मैं नेमत बढ़ा दूँगा, है ना। बड़ा मशहूर वाक़ है कि दो लोग गए दुआ के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, कहा कि हमारे लिए, मेरे पास झोपड़ी है कुछ है नहीं, मैं झोपड़ी में रहता हूँ कुछ भी नहीं है, आप अल्लाह से मिलने जाते हैं, वो कोहे तूर पे जाते थे अल्लाह से मिलने, तो अल्लाह से कहें मुझे भी कुछ दे दें। तो एक बहुत अमीर आदमी, तो उसने कहा अल्लाह से कहें मुझे और नहीं चाहिए, बहुत आपने दिया है मुझे और नहीं चाहिए, तो वो गए अल्लाह के पास वापस आए, तो अमीर आदमी को बुलाया, कहा भाई तुम अल्लाह की नाशुक्री शुरू कर दो, तुम्हारा माल कम होना शुरू हो जाएगा, तुम बहुत शुक्र अदा करते हो तो कोई तरकीब नहीं है माल कम होने की, बढ़ता रह गई है। उसने कहा भाई मैं क्यों नाशुक्री करूं, मुझे तो अल्लाह ने इतना दिया है। उसने कहा फिर माल कम नहीं हो सकता। गरीब के पास गए, बोला तुम अल्लाह का शुक्र, उसने कहा शुक्र किस चीज़ का अदा करूं, अल्लाह ने मुझे क्या दिया है, वो हवा चली भी चली। ये बहरहाल अल्लाह को बहुत पसंद है कि अगर हम चाहते हैं हमारा रिस्क बढ़े
जिसकी हम काउंसलिंग करें उसका रिस्क बढ़े, तो पहली चीज़ उसके अंदर कहें भाई मुझे भी अल्लाह ने दिया, तुमको भी अल्लाह देगा, शुक्र अदा करो अल्लाह का। ना शुक्री हो जाती है हमसे, है ना। सूरह रहमान आप तर्जुमा पढ़ें, ऐसा अल्लाह ने डांट लगाई है आदमी की कि तुम शुक्र अदा क्यों नहीं करते। आपको समझ आ जाएगी कि अल्लाह कितना ज़्यादा शुक्र चाहते हैं आपसे, यानी कोई वजह नहीं है कि इंसान शुक्र अदा ना करे। बहुत कमज़ोर है इंसान। अभी तो आप आजकल वीडियोस देख रहे हैं, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े महल्ले मिनटों में गायब, बड़े बड़ी गाड़ियाँ, ओहो लैंड क्रूज़र, पजीरो। सिर्फ अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया है और वो चीज़ें कहाँ गई हैं कुछ पता ही नहीं, है ना। एक और बड़ी अच्छी हदीस है कि जिसमें अल्लाह ने सदक़े के बारे में, सदक़े की पावर बताई है, बड़ी अच्छी है। वो ऐसे ही है कि पहाड़, पहाड़ से फिर पहाड़ ताकतवर है, फिर लोहा पहाड़ तोड़ देता है, फिर आग लोहे को पिघला देती है, फिर पानी उससे भुज जाती है, हवा जो है वो पानी उड़ा देती है। तो सबसे ताकतवर क्या हुई? हवा हुई। नहीं नहीं, सदक़े से पहले सेकंड लास्ट पे कौन है? हवा है, हवा है, हवा जो आग बुझा देती है। तो फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं इससे भी ताकतवर चीज़ तुमको ना बताऊं, वो क्या है? सदक़ा। एक हाथ से दे अगले को पता ना चले, एक हाथ से दे अगले को पता ना चले, वो आई बलाएं टल जाती, इतना पावरफुल। बहरहाल तो हम टाइप की बात करेंगे, थोड़ा सा मेरी कोशिश होगी कि आप टाइप सीख लें और फिर आप अपने आप को पढ़ें, अपने आप को समझें। क्योंकि बिलीफ जब तक आपको टाइप पे नहीं आएगा ना कि टाइप का मैजिक कितना बड़ा है। अच्छा, मुकाबला इस वक्त टाइप पे मैग्नीट्यूड ऑफ बिलीफ का है। अब दुनिया में काफ़ी लोगों को बिलीफ तो आ गया है टाइप पे, मगर टाइप कितना ज़्यादा यानी इंसान को असर करती है इस पर अभी झगड़ा है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो आदमी खालिक को नहीं जानता वो मखलूक को पहचान नहीं सकता। जो जिस आदमी ने जापानी को नहीं समझा वो जापनीज़ गाड़ी की इम्पोर्टेंस को समझ नहीं सकता। जिसने खुदा को नहीं समझा वो, अल्लाह ने कहा इंसान बेहतरीन मेरी है ना। अल्लाह ने 18,000 से ज़ायद क्रिएचर्स है ना, अल्लाह ने कहा ये सारी चीज़ें मैंने इंसान के लिए बनाई और इंसान को अपने लिए बनाया। तो जब तक इंसान मुझसे रابطے में रहता है ये सारी चीज़ें इसको सर्व करती हैं। अच्छा जी, तो बहरहाल इंसान ये टाइप जो है ना, ये इंसान को समझने का एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। आप टाइप को समझ के अल्लाह से और करीब हो जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने सहाबा को भी कैसे मुख्तलिफ टाइप्स का बनाया था और हमारे नबी उनको कैसे मुख्तलिफ अंदाज से डील करते थे, ठीक है ना। एक साहब ने मुझे हदीस सुनाई, कहने लगे कि आलम अरवा में, जहाँ इंसान दुनिया में आने से पहले होता है और फिर दुनिया से जाने के बाद जहाँ जाएगा, वहाँ भी यानी रूहें जो हैं वो उसमें रहती हैं ग्रुप्स में। जन्नत में जाने का भी आठ दरवाजे हैं, है ना। जन्नत में जाने के भी एक दरवाज़ा नहीं है कि भाई मैं एक ही दरवाज़ा, लड़ाई हो रही है उसके ऊपर। आठ दरवाजे हैं, अपने अपने काम करो, चले जाओ। टाइप्स भी बेसिकली आठ हैं, वो 16 तो माइल्स ब्रिक्स ने बना दी JP लगा के, वरना टाइप भी आठ हैं। और टाइप में कोई ह्यूमन एडिशन नहीं है, टाइप तो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ को समझा है लोगों ने, उसमें कोई एडिशन नहीं है। ये टाइप पे जितना भी वर्क है वो लोगों ने समझा है कि भाई हमने इंसान को समझा तो ये समझ आया कि ये टाइप ऐसी है, तो ये टाइप, तो टाइप तो अल्लाह ने बनाई है। अच्छा जी, ये बिलीफ सिस्टम हमारा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, तो मैं कह रहा था कि सवाल जवाब आपने ज़रूर पूछने, कोई भी सवाल आपके जहन में आए ना पूछ लीजिएगा फौरन। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि हम वो बातें डिस्कस करें जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये आप लोगों को पता है ना, पर्सनैलिटी नेचर और नर्चर से मिलके बनती किसी भी चीज़, ये कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। क्योंकि अगर आपको शख्सियत बनती कैसे ये नहीं पता होगा ना,
तो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा। कोई भी चीज़ होती है ना, वो उसकी फितरत, सेब का दरख्त है, सेब उसकी फितरत है, अच्छी नर्चरिंग करेंगे, अच्छी मीन्स सेब जैसी, सेब का पौधे की जैसी होती है तो वो सेब अच्छा निकलेगा उसमें से। उसकी नर्चरिंग आप अपनी मर्जी से करेंगे, डीजल वाली गाड़ी है, पेट्रोल डाल देंगे तो वो नहीं चलेगी। तो टाइप कहाँ पे आती है? टाइप आती है नेचर में। ऑल टाइप इज नेचर, ऑल टाइप इज नेचर, डेफिनेटली ऑल नेचर इज नॉट टाइप। नेचर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मगर टाइप वही है जो नेचर है, और टाइप ना आदमी चूज कर सकता है ना चेंज कर सकता है, सिर्फ समझ सकता है। सबसे अच्छी टाइप कौन सी होती है? ऑल टाइप्स आर गुड ना, अच्छी टाइप कोई नहीं होती। हमें शुरू में अपनी टाइप बहुत अच्छी लगती है, कुछ दिनों बाद समझ आती है कि नहीं बाकी भी टाइप अच्छी हैं, फिर समझ आता है कि नहीं हमें मिलजुल के चलना चाहिए क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत है। तो ये एक स्टेजेस हैं टाइप की जर्नी में। तो कोई टाइप बुरी होती नहीं है, इंसान के फैसले गलत होते हैं, इंसान की तरबियत बुरी हो सकती है, सोहबत बुरी हो सकती है, उसकी लर्निंग गलत हो सकती है। फितरत कहते हैं इंसान फितरत पे पैदा होता है और मुसलमान पैदा होता है। टाइप जो है वो आपकी फितरत बताती है, उसको डिवेलप करना होता है, है ना। शेर का बच्चा जब पैदा होता है तो वो धाड़ने की सलाहियत लेके पैदा होता है, मगर धाड़ता नहीं है, उसको फिर ज़िंदगी में धाड़ना सीखना होता है। लेकिन अगर आप उसको ना सीखने दें धाड़ना तो वो है ना उसको नहीं आएगा धाड़ना। हाँ हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए टाइप चेंज नहीं होती, इंट्रोवर्ट का जो वर्ड है ना वो दोनों में यूज होता है, टाइप में भी और ट्रेट में भी। तो टाइप तो इंट्रोवर्ट पूरे दिन एक्सट्रोवर्जन करे, इंट्रोवर्ट आदमी पूरे दिन एक्सट्रोवर्जन वाले काम करे, मगर रहेगा तो वो डेवलप कर लिया। इंसान डेवलप ही होता है, चेंज हो ही नहीं सकता इंसान। हाँ हाँ बिल्कुल डेवलप हो सकता है, लेकिन एक बात हम कह सकते हैं कि अगर वो टाइप की फितरत के अगेंस्ट चल रहा है तो उसको थोड़ा स्ट्रेस आ रहा होगा। जैसे कल एक साहब मिले कह लेंगे कि मेरे बच्चे ने एक शरारत की, तो पहले उसकी नाना ने फिटी लगाई, फिर नानी ने फिटी लगाई, फिर मैंने फिटी लगाई तो मैंने क्यों लगाई, कह लेंगे हमें गुस्सा इतना आ गया। तो मैं कहने लगे गुस्सा क्यों आता है इंसान को, मैंने कहा भाई आप लोग पहले अपना इलाज कराएं बच्चे का इलाज करने से पहले कि आपको गुस्सा आया क्यों, गुस्से में रहें, इसका मतलब आप लोग खुद भी अपनी बहुत ज़्यादा हेल्दी होना। एक बच्चे को अगर बच्चा शरारत करेगा तो उसको तो समझाना चाहिए ना, ना कि फेटी लगानी चाहिए। तो अगर आदमी टाइप के अगेंस्ट जाएगा उसको थोड़ा स्ट्रेस भी आएगा, ये एक बात है, लेकिन डेवलप हो सकता है। हज़रत उमर के बारे में है ना कि आराम कर रहे थे तो एक आदमी आया, तो उसने कहा मुझे इंसाफ चाहिए, है ना। जब वो खलीफा थे तो वो दुर्रा लाया, उसको खींच के लगाया एक ना, कि जब मैं बैठता हूँ इंसाफ के लिए तो आते नहीं, अब मैं आराम करने बैठा हूँ तो आ गए, तो पिटाई लगा दी उसकी तो चला गया वो। तो फिर उनके अंदर अरे गुस्सा तो उनमें था, तो उनको फिर एक डेवलपमेंट चूँकि हो गई थी तो उनके अंदर आया कि नहीं ये गलत किया मैंने, फिर उसके पीछे पीछे गए तो और उसको दुर्रा दिया कि अपना बदला ले लो। उसने कहा जाओ मैंने अल्लाह के लिए माफ़ किया। तो मकसद ये कि टाइप नहीं चेंज होती, कंट्रोल बढ़ता है इंसान का, कंट्रोल अपने ऊपर बढ़ता ही, सही और गलत की पहचान आ जाती है। चेंज होने में डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस? चेंज होना डेवलप होना है। इंसान टाइप चेंज नहीं हो सकती। हाँ चेंज तो हर लम्हे हम होते हैं और होना चाहिए। नेचर चेंज नहीं होती, नेचर चेंज करना मकसद भी नहीं है। हैबिट्स चेंज होती हैं, स्किल चेंज होती हैं, एटीट्यूड सब कुछ चेंज होता है, फितरत चेंज नहीं होती। हैबिट्स तो आदत है। अब मुझे बाय टाइप मेरा ब्लाइंड एरिया है कि मैं वक्त पे पहुंचूं, मैंने डेवलप कर लिया, अब मैं वक्त से पहले पहुंच जाता हूं।
तो मैंने आदत बना ली बाय टाइप, ये कि मैं पूरा मेरा बचपना गुजर गया कि मैं फजर वक्त पे पढ़ूँ। अल्लाह का शुक्र है अब मैं आदत बना ली है, मैं जितने बजे भी सोऊँ मैं उठ जाता हूँ। तो ये आदत बनाने पे आप अगर डेवलप करें तो बन जाती है आदत। हाँ, अगर वो डेवलप नहीं होते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल आपके ऑपोजिट हैं तो वो तो बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। हाँ हाँ, मसले हैं, यही टाइप का मसला है दुनिया में। और मसला ये है कि हम मसले हल करने के बजाय ना, हमें उस मसलों का, मसले हल करने के बजाय हमें मसलों की वजह ही पता नहीं है। सही कह रहे थे, यानी मैं भी टाइप में इसीलिए आया कि मैंने ग्रेजुएशन की 1995 में मैं डॉक्टर बन गया था। 96 में हाउस जॉब की और 2004 तक मैं साइकेट्री की ट्रेनिंग कर रहा था 2004 में। तो जब मुझे टाइप का पता चला तो मुझे ये बात समझ आ गई कि ये जो दुनिया में बिगाड़ है और ख़ासकर जो नफ्सियाती मरीज़ बन रहे हैं लोग, वो तो टाइप पता ना होने की वजह से बन रहे हैं। अगर हम सिर्फ लोगों को उनकी पहचान करा दें तो वो चलो गैरों को दुख देंगे, अपनों को तो नहीं देंगे, है ना। बेटा माँ को तो दुख नहीं देगा, माँ बेटे को दुख नहीं देगी, ये जो हम अपनों को पागल कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। तो मैंने कहा यार साइकेट्रिस्ट तो बहुत हैं, ये काम कोई नहीं कर रहा था। जी इंसान को पहले हम डिस्कस कर चुके हैं पैशन और प्रोफेशन। अब इंसान की जो टाइप है उसका जो पैशन है वो तो पहचानता है कि ये मेरा पैशन है, ये मेरे अंदर है टाइप, लेकिन जो प्रोफेशन है वो उसके अगेंस्ट है। अब उस पैशन को अडॉप्टिबिलिटी करने के लिए उसके जो है वो फिनंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, इन्वायरमेंटल भी हैं, फैमिली के जैसे डिस्कस हो रही है, उसको वहाँ पर लाने के लिए तो काफ़ी जो है वो टाइम चाहिए होगा। बेटा बहुत अच्छा सवाल है आपका, इसी तरह से पूछ लें, सवालों को जगह न दें अपने जहनों में। देखें, मर्द के लिए रिस्क कमाना या अपने घर वालों के लिए रिस्क अरेंज करना, ये अल्लाह ने जिम्मा लगाया है ना। तलाक़ के बाद भी बच्चे हो गए हैं तो अल्लाह ने कहा है कि बच्चे हो गए हैं और तलाक़ भी हो गई है, फिर भी 18 साल तक नान नफ़ा बच्चों को देना उस मर्द के ज़िम्मे है, है ना। शादी होती है तो मर्द, शादी है ही बेसिकली फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब आपने अपनी बेगम और फैमिली का सारा जिम्मा आप लेते हैं, है ना। तो अल्लाह ने बाकायदा वक्त रखा है कि फजर से जोहर तक जाके माश कमाओ, यानी मर्दों के लिए तो ये कोई ऑप्शन ही नहीं है। यू हैव टू अर्न मनी फॉर योर फैमिली। तो उसमें कैरियर वैरियर तो बहुत सेकेंडरी चीज़ आ जाती है ना, प्राइमरी चीज़ है आपने कुछ ना कुछ अरेंज करना है अपने फैमिली के लिए, कैरियर उसका ज़रिया बनता है। तो अगर वो पैशन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता उसको बनाएं, नहीं है तो। लेकिन ये जो आपका रोल ओरिएंटेड फ़र्ज़ है आपके ऊपर कि आप अगर मियाँ हैं, भाई हैं, बेटे हैं, बाप हैं, तो आपकी तो अल्लाह ने ये नहीं पूछना आपसे कि तेरा पैशन क्या था, अल्लाह ने पूछना है तुमने घर में नान नफ़ा अरेंज क्यों नहीं किया, क्यों नहीं खिलाया, हाँ क्यों नहीं कमाया। तो अगर आप पैशन वाले ऑक्यूपेशन में, अच्छी बात है, महारत हासिल करें, नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को चेंज करें, जहाँ पे पैसा है वहाँ जाएं। और टाइप, तभी तो ये काउंसलिंग का काम ऐसा है ना कि आप देखें कि उसकी टाइप क्या है, तो उसको कौन सा ऐसा काम करना चाहिए जिसमें आजकल पैसा है, पूरा बदल गया, लैंडस्केप ऑक्यूपेशन का चेंज हो गया है, पैसा जहाँ पहले था अब वहाँ नहीं है, अब बिल्कुल चेंज हो गया है ना। अब वाईफाई और ट्रेडिंग का मिजाज बदल गया है, ऑनलाइन है चीज़ें। जी बेटा, अभी सर जितने भी कोई ना कोई इनका जो वो है कनेक्शन इसके साथ, कोई लेक्चरर है, कोई टीचर है, ठीक है। अब मेरी जो फील्ड है वो इनसे टोटली डिफरेंट है, मैंने काफ़ी आ सकता है स्टडी को मैंने स्टॉप किया था, मेरा जो प्रोफेशन है अभी थोड़ा डिफरेंट है, मैं डिस्ट्रीवी सॉफ्टवेयर का कर गया हूँ, तो मुझे इस टाइप पे लाने के लिए मुझे बड़ी काफ़ी दिक्कत आ रही है। नहीं समझ आया मुझे, आपको क्या दिक्कत आ रही है कि जो शोभा आपका है वो सही नहीं है? हाँ, वो थोड़ा इससे डिफरेंट है।
वो आपके तबीयत के मुताबिक नहीं है जी, मगर उसमें पैसा बहुत है। पैसा एक मेरा शौक है, इसके अंदर मोटिवेशन के अंदर इसको समझने का, इस शोबे में। यानी आप कह रहे हैं कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें पैसा है लेकिन आपका शौक नहीं है, तो शौक कहीं और है तो मैं क्या करूं। हाँ, ये बहुत अच्छी सिचुएशन है कि उसका हल ये है कि आप इमीडिएटली उस काम को बिल्कुल नहीं छोड़ें जो आप कर रहे हैं, क्योंकि उससे आपका एक जिम्मेदारी अदा हो रही है कि आप पैसे कमा रहे हैं। अब आपको समझ आ गया कि आपकी खुशी क्या है, पैशन क्या है, तो उसको आप फ्री में शुरू कर दें, संडे सैटरडे को शुरू कर दें, ताकि वहाँ से खुशी मिलना शुरू हो जाए। खुशी भी सर ने बताया ना कि खुशी भी तो नेमत है ना, वो पैसा नेमत है तो खुशी भी तो नेमत, खुशी मिलनी शुरू हो जाए, फिर आप देखेंगे क्या उस खुशी के बाद उस प्रोफेशन में कुछ पैसे मिलने की चांस है। तो आहिस्ता आहिस्ता स्विच करें, आहिस्ता आहिस्ता स्विच करें। तो ये अगर वक्त पे आप सही फैसले ना कर सकें तो 80% 70% लोग वो काम कर रहे हैं जो उनके मतलब का नहीं है, मगर वो छोड़ नहीं सकते ना, छोड़ना रिकमेंडेड भी नहीं है, क्योंकि भाई फैमिली को सर्व करना है, भाई आपने फैमिली को सर्व करना है, आप कैसे छोड़ देंगे, है ना। मगर जिंदा रहेंगे तो सर्व करेंगे ना, तो जिंदा रहना भी वरना टेंशन ले लेके शुगर ब्लड प्रेशर और कैंसर से शहादत नोश करने का क्या फ़ायदा। हाँ नहीं, आप अपने आप को दुख दे रहे हैं तो कल नहीं तो परसों तो फिर आपने जाना ही है। तो आप अपनी खुशी का बंदोबस्त भी करें और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे शोबे में आ जाएं कि, और आप अगर काउंसलर बन रहे हैं तो लोगों को ऐसे शोबों की तरफ लाएं जहां वो खुश भी रहें और अर्न भी करें। ये आपकी मेहनत है, ये जो किताब सर आपको दे रहे हैं इसमें बहुत डेटा है। टाइप से ना पूरी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। ये सब कार्ड है आपके पास ना, हिजबला समझ आ रहा है कि इंसान जो है ना वो स्विच हो सकता है, फ्लेक्स हो सकता है, और ये बहुत ज़रूरी है उसके लिए सीखना कि वो आपकी बात का इसमें जवाब है कि एक्सक्यूज़ कुछ भी नहीं है, आप कर सब कुछ सकते हैं, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोज़, इतनी आसान नहीं है कि आप मछली हों और सिर्फ पानी ही मिले आपको, नहीं, लाइफ तो दुनिया है ही, यानी आजमाइश की जगह, दुनिया तो इम्तहान के लिए भेजा ना अल्लाह ने, अगर इतनी होती तो अल्लाह भाई हमारे हज़रत उमर कहते थे ना, काश के मैं परिंदा होता, मुझसे हिसाब किताब नहीं होता। तो आपसे हिसाब किताब है इसीलिए कि आपने अपने रोल स्विच करने, तो पहले पता तो चलेंगे हम हैं क्या हो, फिर हम सीखें। और लेकिन बहरहाल, तो टाइप और ट्रेड का फर्क क्लियर है आपको, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ट्रेड इज डेवलपमेंट, टाइप इज पोटेंशियल, टाइप इज नेचुरल इननेट, पोटेंशियल है टाइप। पौधा सेब का था मगर कीड़ा लग गया, नहीं निकला सेब, या सेब निकला कीड़े वाला सेब निकला या ख़राब निकला, तो हम कहेंगे पोटेंशियल तो था इसका, सेब का दरख्त तो है, लेकिन सेब इसकी तरबियत सही नहीं हो सकी, कीड़ा लग गया दरख्त में और सेब ख़राब हो गया। ट्रेड उसकी खूबी है, उसके कैसा है। तो अच्छे ट्रेड उस वक्त आते हैं जब टाइप की नर्चरिंग अच्छी हो, अच्छी से मुराद उसकी फितरत के मुताबिक हो, और बुरे ट्रेड उस वक्त आते हैं जब उसकी नर्चरिंग उसकी फितरत के ख़िलाफ़ हो। और ये जो अर्ली लाइफ होती है ये नर्चरिंग के लिए बहुत अच्छी होती है, अगर वहाँ बहुत जल्दी नर्चरिंग हो जाती है, गीली मिट्टी होती है ना, वो जल्दी शेप अप हो जाती है। क्या मतलब, दोनों डेवलप है, आई भी डेवलप है और ई भी डेवलप है। मुझे लोगों से बात करने से खुशी मिलती है, मेरे 20 से 25 दोस्त हैं, लेकिन जब मैं थक जाता हूँ तो मैं घर जाके आराम करता हूँ, लेकिन मुझे पार्टी करना पसंद है, मैं अपने साथ रह वक्त भी गुजारना पसंद करता हूं। नहीं, ये बड़ा कॉमन आपको लोग कहेंगे ऐसा, वजह उसकी ये होती है कि 8 तरह के आई हैं और 8 तरह के ई हैं। ये आपकी प्रैक्टिस है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो फिर आपको समझ आएगा कि असल में आई क्या है। है ना, असल में जो आई है वो फिर आप लोगों से निकलवा लेंगे। देखें, असल में आई जो है वो एक दो चीज़ों के बिहेवियर से नहीं पता चलता। असल में जो आई या एस और एन है, ये आपको 8-10 सवाल करने पड़ेंगे लोगों से कि आपको
किस काम में एनर्जी मिलती है और किस काम में स्ट्रेस आता है। फर्ज करें कि एक ई है, आप उससे पूछें कि तुम्हें अगर नए नए दोस्त बनाने हों उसमें मज़ा आएगा या तुम्हें कुछ लिखना हो उसमें मज़ा आएगा, तो ई फौरन कहेगा कि मैं लिखने में तो मुझे तकलीफ़ होगी, फौरन कहेगा लिखना तो मुझे मज़ा आएगा, इसका तो सवाल ही नहीं है, है ना। 10 सफ़े लिखने में मज़ा आएगा, लिख लोगे नहीं। जोर किस पे है? एनर्जी पे है, खुशी पे है। खुशी किधर है तुम्हारी? 10 नए लोगों से मिलने में तुम्हारी, करते हो नहीं पूछना हमने, कर सकते हो ये भी नहीं पूछना, करता भी होगा कर भी सकता होगा नहीं। हमारा जोर टाइप इज अबाउट एनर्जी, कि यू इन्जॉय इन मेकिंग 10 new friends या यू इन्जॉय इन राइटिंग 10 pages स्ट्रेट ऑन एनी ऑफ योर टॉपिक। वो बता देगा नहीं मज़ा तो मुझे होता है, तो मज़े के नाम टाइप है। हाँ ऐसा भी हो सकता है, तो उसको मज़े का पता नहीं होगा ना, तो मज़ा दोनों में आ रहा है, ज़्यादा मज़ा किधर आता है? हाँ बहुत ज़्यादा मज़ा किस में आता है ना। ये फिर आपको जो सवाल पूछने का जो क्वालिटी है ना, हुस्न है, वो आपका आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता चला जाएगा। देखिए इंसान की तखलीक नहीं है, इंसानी तखलीक नहीं है, ये अल्लाह की तखलीक है। आप जब भी इंसान के बारे में कोई राय कायम करें तो पहले उसके बनाने वाले को सोचें। देखें मैंने मेडिसिन पढ़ी, साइकेट्री पढ़ी, थोड़ा बहुत बुज़ुर्गों के साथ रहा, इंसान में तबाह कुन पोटेंशियल है। यानी एक औरत इंडिया में, एक औरत ट्रेन से गिर गई, टांगें कट गई उसकी, बच गई। उसने कहा अल्लाह ने मेरी टांगें चली गई, मैं बच गई, अल्लाह मियां मुझसे कोई ऐसा बड़ा काम लेना चाहते हैं। तो उसने कहा मैं वो काम करके दिखाऊंगी जो टांगों वाले नहीं कर सकते। उसने सारी पहाड़ी के चोटियां सर की जाके, हैं, एवरेस्ट सर किया। उसने कहा ये तो टांग वाला भी सोचता है, बगैर टांग के सर किया उसने, है ना। वो शूटर की स्टोरी है, राइट हैंड से शूटिंग करता था, हाथ ही कट गया, गया लेफ्ट हैंड से गोल्ड मेडल लेके आ गया, राइट हैंड वालों को उसने हरा दिया 1 साल की ट्रेनिंग से। बगैर हाथ पांव का आदमी तैरता है पानी में, है ना, हाथ पांव वालों को स्विमिंग नहीं आती, वो बगैर हाथ पांव के तैरता है भाई। तो इतना पोटेंशियल है इस इंसान के अंदर। तो कन्फ्यूजन है, उसके लिए बड़ा आसान हल है कि अंधेरे का इलाज क्या है, बस अंधेरे को से झगड़ा करना छोड़ दें, टाइम वेस्ट होगा आपका कि इलेक्ट्रिक ख़राब है, वापडा ख़राब है, बहस करेंगे, पैसे नहीं दे रहे ये। आप रोशनी जला दें, अंधेरा कहाँ जाएगा, आपको नज़र ही नहीं आएगा। तो कन्फ्यूजन का इलाज आप उसकी, अच्छा अंधेरे आप ये कहें अंधेरा बहुत है, भाई अंधेरा कम या ज़्यादा नहीं होता, अंधेरा तो आप रोशनी जलाएं, जैसा भी अंधेरा होगा चला जाएगा। आपकी रोशनी की ताकत पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी है और कितनी बेहतरीन रोशनी जला सकते हैं। तो हम अपने आप को प्योर करें, एक्सेलेंस को, अल्लाह को हुस्न पसंद है ना, एक्सेलेंस लाएं अपने अंदर, अल्लाह के बंदों को हसीन चीज़ दें। आइंस्टाइन कहता है कि अगर आप कोई कॉन्सेप्ट किसी 6 साल के बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, इफ़ यू कैन नॉट टीच एनीथिंग टू अ 6-year-old चाइल्ड, इट मीन्स यू हैवेंट अंडरस्टूड इट येट, वो आपको भी समझ नहीं आई। ये आइंस्टाइन कह रहा है, नहीं कुरानी आयत नहीं है, ये इंसान को भी समझ आ गई कि अगर हम एक चीज़ 6 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते तो वो हमारे नहीं समझ आई। हम इतना घुमा देते हैं चीज़ों को, अगले कहते हैं अगला कन्फ्यूज़ हो गया। नहीं कन्फ्यूज़ हैं लोग, लोगों के साथ धोखा हुआ है, लोगों को सही चीज़ें नहीं बताई गई ना, अंधेरे में है लोग। तो आप रोशनी जला देंगे ना, ये सबसे आसान काम है, उनकी कन्फ्यूजन को छोड़ दें, आप रोशनी जलाएं, फिर देखें आप हैरान हो जाएंगे कि वो आदमी जो थोड़ी देर पहले कंफ्यूज था वो कैसे जादू करके दिखाएगा आपको। ठीक है सर, कुछ नहीं, आपका सवाल क्या है दोबारा कहें।
बीइंग कैरियर काउंसलर जब किसी बंदे से बात कर रहा हूँ और मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि उसको मैं अच्छा उसकी टाइप जानना चाह रहे हैं जी, उस टाइप में जिस तरह की सूरत हाल से हमारे सारे लोग फेस कर रहे हैं उसमें मल्टी डायमेंशन में लोग सोच रहे हैं। हाँ हाँ बहुत ज़्यादा है लोग उस सवाल उनके अंदर भी वो जवाब होता है लेकिन वो बता नहीं पाते उस तरीके से उनको फोकस कैसे करना है उनको उस टाइम पे कैसे लाना है ताकि वो ठीक बात बता सके या एटलीस्ट कितना वक्त दरकार होगा कि वो एटलीस्ट प्रिपेयर हो जाए ताकि वो आपको देखिए बच्चा या बंदा जो भी बीमार है वो डॉक्टर के पास जाए अगर उस ठीक तशखीस नहीं हो पा रही उसका ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो सकता तो बीइंग कैरियर काउंसलर व्हेनेवर आई एम गोइंग टू टॉक विद समवन एंड ही अब वहां पे आप हम इतनी ज्यादा फ्रीलांसिंग की चीजें देख रहे हैं हम हमें से कोई बंदा नासा के अखबार है नहीं सोचता लेकिन हमने ज्यादा यूट्यूबर बनना चाहता जैसे ट्रेंड डेवलप हो गए अब किसी बंदे को फोकस करके उससे उतनी बातचीत करना ताकि उसमें से हम उस मोटिव तक पहुंच सके सो दैट वी कैन नो इसकी इसकी पर्सनैलिटी टाइप कौन सी है और उसके लिए फिर कैरियर गाइड कौन सी अच्छा ये इस स्टेज पर किसी बच्चे को लेकर आना या उस स्टेज पर आकर उससे वो बात निकलवाना जो जेन्युइनली उसके अंदर है उस कन्फ्यूजन को ड्रॉ करके नहीं नहीं वो मैं समझ गया आपकी बात। देखिए करियर गाइडेंस का मैंने फार्मूला आपको बताया करियर प्लानिंग का कि डिस्कवरी सेल्फ डिस्कवरी एक्सप्लोरेशन डिसीशन एंड देन एक्शन ये तीन स्टेप के बाद अगर एक्शन लेंगे ना तो आपका एक्शन बहुत बेहतर होगा और वो कन्फ्यूजन उसमें मिनिमम होगी नहीं होगी। कन्फ्यूजन है इसीलिए तो पहले हमने डिस्कवरी करनी है फिर एक्सप्लोर करना है फिर अपने एक्सप्लोरेशन के बाद सॉर्टिंग करनी है और फिर डिसीजन लेना है। टाइप में अगर लोग कंफ्यूज हैं डिस्कवरी के बगैर तो कंफ्यूजन आपकी अगर बुनियादी सही नहीं है तो कंफ्यूजन की दुनिया में आप हैं लेकिन अगर आपको टाइप पता चल जाती है तो फिर कंफ्यूजन को कम किया जा सकता है। कंफ्यूजन को कम किया जा सकता है काउंसलर कैसे कम कर सकते हैं कि आप अपनी नॉलेज बढ़ाएं कि किस टाइप के लिए किस टाइप के लिए आज 2022 अगस्त में कौन सा ऑक्यूपेशन बेहतर है ना। आपको जो भी किताब मिलेगी वो कम से कम 10 साल पुरानी होगी 8 साल पुरानी होगी तो वो नॉलेज आज के दिन उतनी वैलिड नहीं है। अब आपकी एहसास जिम्मेदारी आ जाती है कि आप अप टू डेट रहें और आपको टाइप के बारे में डेप्थ पता हो कि टाइप कैसे इंसान के कैरियर को इन्फ्लुएंस करती है। तो जिन लोगों ने किताब लिखी है वो कोई फरिश्ते थोड़ी है, उससे अच्छी किताब शायद आप लिख दें और वो किताब आज के असर हाजिर के ज़्यादा मुताबिक हो और ज़्यादा रेलिवेंट हो। तो मैं कोशिश करूँगा जो टाइम बचा है आपको वो नॉलेज में ट्रांसमिट कर दूँ ताकि वो कन्फ्यूजन की बुनियादें ख़त्म हो जाएँ। सही सवाल है आपका। अच्छा जी ट्रेड्स हमें समझ आ गए तो ट्रेड को टाइप से कभी मिक्स ना करें, बिल्कुल अलग चीज़ें। बहुत लोग कंफ्यूज हैं इसमें, मुझे बड़ा दुख होता है। अच्छा ये स्लाइड किस चीज़ की है आपको समझ आ रहा है, क्या है ये, क्या लिखा हुआ है इसमें? ये सारे ट्रेड असेसमेंट टेस्ट हैं, ये कॉरपोरेट सेक्टर और कैरियर गाइडेंस प्रोफेशनल दुनिया में इस्तेमाल करते हैं। इनसे ट्रेट नापा जाता है, ट्रेट्स नापे जाते हैं कि कितना ट्रेट कौन सा डेवलप है। और इन सब टेस्ट की खास बात यह है कि इनके रिजल्ट्स जो हैं वो 2 साल से ज़्यादा वैलिड नहीं होते, क्योंकि टेस्ट बनाने वालों का भी ख्याल है कि कोई भी सिफत 2 साल में फिर उसको रीवैल्यूएट होना चाहिए क्योंकि वो सिफत है वो तब्दील भी हो सकती है। लेकिन टाइप जो है ये एक तो टेस्ट की मोहताज नहीं है और पैदाइशी होती है और कभी चेंज नहीं होती। तो कभी भी टाइप को ट्रेट से मिक्स ना करें, अलग चीज़ें, ठीक है ना। सब्जी या फल कौन सा है ये टाइप बताएगी, सेब कैसा है ये उसका ट्रेट बताएगा, है ना। कौन सा फल खा रहे हो ये टाइप बताएगी, फल कैसा है ये ट्रेड बताएगा।
ज़्यादा सोचना एक अलग चीज़ है, मगर ज़्यादा सोच के काम ना करना ये एक अलग बीमारी है, लेकिन बग़ैर सोचे काम करना ये उससे बड़ी बीमारी है, नुकसान ही होगा हमेशा। तुक्के में कभी कामयाब हो गया तो लोगों के सामने तो ना कहें, अगला भी कहीं ऐसा शुरू कर दे फिर तो उसको भी नुकसान हो जाएगा। ये तो हदीस का मफहूम है कि हर काम सोच समझ के करो भाई, ऐसे कैसे करो। आप सही कह रहे हैं सर कि रिस्क लेना चाहिए, तो रिस्क भी कैलकुलेटेड होना चाहिए, ब्लाइंड रिस्क भी नहीं होना चाहिए ना। एडिसन जब बल्ब ईजाद कर रहा था तो रिस्क था ना लोगों के लिए, उसने इन्वेस्टर को कहा मुझे पैसा दो, मुझे मेटल जमा करने हैं, मेटल जमा किए, उसने कहा कि इनमें से एक मेटल है जिसको जलाऊंगा मैं तो उससे रोशनी निकलेगी। अब वो जलाता गया मैं रोशनी नहीं निकली, लोगों ने कहा तुमने तो हमारा पैसा डुबो दिया, उसने कहा नहीं नहीं डूबा पैसा आपका, मैंने तो रोशनी देख ली है आपको दिखाने से पहले, ये तो मैं आपके लिए कर रहा हूँ तजुर्बा। लोगों ने कहा नहीं हम जा रहे हैं, लोग पैसा लेके सब चले गए, नौकर भी चले गए, अरे पैसा नहीं है तो नौकर भी चले गए। तो आखिर में टंगस्टन जल गया, तो उसने कहा भाई मैं तो रोशनी, मेरे लिए रिस्क नहीं था ये तजुर्बा एडिसन के लिए रिस्क नहीं था, बगैर सोचे समझे उसने वो काम नहीं किया था, उसको नज़र आ गई थी रोशनी, वो तो उसको साबित करने के लिए वो तजुर्बे कर रहा था कि कौन सा एलिमेंट है जो ग्लो करेगा। तो हमारे यहाँ बुज़ुर्गों ने, एक तो हर आदमी बुज़ुर्ग है हमारे यहाँ, ये भी मुझे बड़ा गुस्सा आता है, हाँ वो मिसालें भी एक दो उधर की घड़ देते हैं ना, यानी बड़ा, यानी ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मसला है हमारे पाकिस्तानियों का कि यहाँ हर आदमी कंसल्टेंट है। आप किसी से कुछ पूछें, हाँ मैं आपको बताता हूँ इस कैंसर का इलाज आप ऐसे करें, ये खाएं आप ठीक हो जाएंगे। अबे यहाँ आदमी 20-20 साल कैंसर पे तजुर्बा करके, पढ़ाई करके दो लफ्ज़ बोलते हुए डरता है कि कहीं गलत ना निकल जाए। ये घर से उठ के आया, ये कैंसर स्पेशलिस्ट है भाई। तो भाई पहले तो ये सीखें कि इल्म उसके अहल से लें, ये कुरान में अल्लाह का हुक्म है, आयत मुझे नहीं पता मगर ये कुरान में अल्लाह ने कहा है कि कोई बात भी जाननी हो उसके बेस्ट के पास जाओ। सर थोड़ा जोर से सुना दें, ये हमारे लोग बहुत बस यूट्यूब खोलते हैं जो बोल रहा है उसको सुनना शुरू कर देते हैं। क्या मतलब है इसका? अहले ज़िक्र से जो इल्म वाले, हाँ इल्म वाले, किताब वाले जो एक्सपर्ट हैं ना, उनसे 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 करें। मुझे 1,000 लोगों ने कहा यार तुम अब्बा भी कहते कहते मर गए, कह लेंगे बेटा डॉक्टर हो प्रैक्टिस तो करो, तुम प्रैक्टिस क्यों नहीं करते। मैंने कहा अब्बा मैं 2 किश्तियों में सवार होऊंगा ना तो एक का माहिर नहीं बन सकूंगा, मुझे माहिर बनना है। शादी भले 4 हो सकती है लेकिन पेशा में जब तक माहिर नहीं बनूंगा मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। मैं कहता हूँ अभी मुझे टाइप में कुछ नहीं आता। तो मुझे कई उस्ताद कहते हैं जो सेकेट्री के उस्ताद ने कि यार आप पीछे रह गए। मैंने कहा ये तो अल्लाह ही जानता है कौन पीछे रह गया कौन आगे निकल गया, दुनिया की क्या औकात है। तो लेकिन मुझे ये पता है कि चूँकि बड़ी अजीब कहानियाँ हैं, बहर अभी हम इस पर बात करते हैं। तो बेटा वो आदमी सही नहीं है, आप दूर रहें उससे। गलत गलत फतवे दे रहा है भाई, नहीं बड़े बड़े लोग गलत फतवे दे रहे हैं, बड़ा हैरत होती है कि ये आदमी ऐसी बात कर रहा है। तो वो हम सीधे लोग हैं, यकीन कर लेते हैं लोगों की बात। लोग क्या कहते हैं, कहते हैं हमने ना मल्टीपल्स काम करने हैं, हम मल्टीपल चीज़ों में खुश हैं, मतलब कि वो डॉक्टर भी हैं, वो लॉयर भी बनना चाहते हैं और वो फ्रीलांसिंग भी करना चाह रहे हैं, और जिस तरह वो भाई उतारते भी यूट्यूब पर जाना चाहते हैं। मतलब आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जो इंसान इस तरह की मेंटल सिचुएशन में आकर लेके आते हैं कि मल्टीपल चीज़ें करना चाहते हैं और वगैरह, मैं बच्चे जिस तरह आपसे बात करते हैं कि जिस तरह हम उसमें खुशी रहेंगे, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं इस तरह? नहीं मेरी देखें कोई औकात नहीं है कि मैं सजेशन दूं किसी को, लेकिन मैं अपने इल्म की रोशनी में सिर्फ ये कह सकता हूं कि एक आदमी को अगर 10 काम करके अच्छा लग रहा है तो करे भाई, तो अगर कर सकता है तो करे, उसको मैं मना करने वाला कौन हूं। हमसे तो दूसरा काम होता ही नहीं तो हम कैसे करें। अगर कोई कर सकता है कामयाबी के साथ तो करे, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर अच्छा करना मकसद है ना, सिर्फ करना तो मकसद नहीं होना चाहिए ना, ये काम करें तो अच्छा करें। अगर आप अच्छा काम 5 कर सकते हैं, 5 अच्छे काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, करें।
मगर ये नहीं कि एक काम ही खराब कर रहे हैं, दूसरा किया वो भी खराब किया, तीन कर रहे हैं तीनों खराब हैं, चार बीवियां हैं चारों मिलके आपकी पिटाई कर रही हैं, तो भाई एक भी ना करते तो सुकून से तो रहते ना भाई, है ना। यानी आप जो काम करो अच्छा करो ना यार, अब है ना, ये तो हमारी नीयत होनी चाहिए ना कि हम जो काम करें वो अच्छा करें। अगर प्रोफेशन है तो पैसे बनने चाहिए, कारोबार है तो प्रॉफिट आना चाहिए, नहीं आ रहा इसका मतलब कोई कोई ना कोई। सर क्या साइकोलॉजी के मुताबिक मल्टीटास्किंग जो है वो अच्छी हो सकती है, यानी कि एक से ज्यादा काम कर रहे हैं और वो अच्छे भी कर रहे हैं, कैसा पॉसिबल है? नहीं, बड़े बड़े लोग हैं, इलॉन मस्क इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, वो कितनी कंपनियां चला रहा है, आप विकिपीडिया पे जाएं देखें। अभी इलॉन मस्क जो इस वक्त 300 बिलियन के करीब उसकी वर्थ है, देखें उसकी कंपनियां क्या कर रही हैं, जबकि वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं है इतना। मार्स पे रॉकेट भेज रहा है, नासा का पार्टनर है, न्यूरोलिंक बना रहा है, तो टेस्ला उसकी है और पता नहीं क्या क्या कर रहा है, करे ना। इंसान बहुत जामे चीज है, इंसान को हल्का नहीं ले सकते आप, मगर उसकी शर्त यह है कि वो अच्छे तरीके से काम करे। और ये जो कोचिंग है, करियर गाइडेंस है, ये तो सुन्नत तरीका है। इंसान अगर सिर्फ कुरान से बन सकता होता तो अल्लाह नबी कैसे भेजते? नबी नहीं भेजते, अल्लाह ने कहा कुरान भेजा सीखो, लेकिन अल्लाह ने इंसान में उस्ताद की ज़रूरत को रखा। मैंने तो ये समझ आता है कि इंसान को किताब के साथ साथ कोच चाहिए, है ना, तो ये सुन्नत है। तो आप अगर उस्ताद बन रहे हैं तो अगर एक आदमी कामयाब नहीं है, उसके पास इल्म है, उससे कहें उस्ताद की तलाश करो। अच्छा उस्ताद मिल जाना बहुत कीमती बात है, ठीक है ना सर। टाइप डिस्कवर कैसे होती है? टाइप डिस्कवर ऐसे होती है कि इन चारों डाइकोटमीज में आप अगर अपनी प्रेफरेंस ढूंढ लेंगे तो आपकी टाइप निकल आएगी। इन चारों डाइकोटमीज में अगर आप किसी क्लाइंट की प्रेफरेंस ढूंढ लेंगे तो उसकी टाइप निकल आएगी, बस। अब वो आप MBTI से ढूंढें, कैसे ढूंढें, ये आपका मसला है। तो टाइप कैसे निकलती है? बस इन चारों प्रेफरेंस में, जो कि आपके पास कार्ड है उसमें बने हुए, इन चारों प्रेफरेंस में, इन चारों डाइकोटमीज में प्रेफरेंस ढूंढनी है, इतनी सी बात है और कुछ भी। यही डिस्कवरी थी उसकी, यूम की। ये मैं भी समझ में आ रहा हूं, लेकिन टाइप कैसे निकालते हैं ये समझ आ गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है टाइप। ये चार डाइकोटमीज हैं, इनमें अपनी प्रेफरेंस ढूंढ लें आपकी टाइप आ जाएगी, किसी की ढूंढ लें उसकी टाइप आ जाएगी। वो मैं आगे आ रहा हूं, ये बात समझ आ गई कि टाइप प्रेफरेंस का नाम है, टाइप बिहेवियर का नाम नहीं है। कोई ई कर रहा है तो वो ई होगा नहीं, कोई एस कर रहा है तो वो एस होगा नहीं। बिहेवियर इज नॉट टाइप, है ना, प्रेफरेंस इज टाइप। प्रेफरेंस क्या है ये असल आपने समझना है। प्रेफरेंस के लिए हम वो एक्टिविटी कराते हैं ना कि अपना नाम लिखें, तो अपना नाम लिखें जरा सा। आप में से लेफ्ट हैंड से किसने लिखा? अच्छा ठीक है, बाकी लोगों ने राइट से लिखा। ये इसको समझें कि आपने लेफ्ट से क्यों लिखा। यू प्रेफर लेफ्ट हैंड, बाकी ने राइट से क्यों लिखा, दे प्रेफर राइट हैंड। तो हमने एक चीज सीख ली कि हम किसी को कोई भी काम करने को कहें तो वो अपने प्रेफर्ड तरीके से करना चाहता है। प्रेफर्ड का मतलब है नेचुरल, फितरतन, फितरतन नेचुरली प्रेफर्ड। ये तो ये जुबान ने हमें मार दिया अंग्रेजी ने, यानी कसम से इतनी मैंने कोशिश की मैं अंग्रेजी में अंग्रेजों वाली महारत हासिल कर लूं, अल्लाह ने कहा नहीं तो उर्दू में चलो। हाँ वो कभी कभी आता था शैतान, यार पैसा उधर है अंग्रेजी सीख लें, लेकिन जिन्होंने सीखी उनका हशर देख के आज मैं कहता हूँ बहुत अच्छा वो मैंने वो। हाँ वरना मैं इतना मजबूत आदमी नहीं हूँ, बहक ही जाता। तो आदमी सीखता अपनी ज़ुबान में, एक एक वर्ड गुमराह कर देता है हमें। अब ये प्रेफरेंस उर्दू में इतना अच्छा वर्ड है, फितरत, उसमें प्रेफरेंस कहते हैं, कहीं नेचर कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, आदमी को परेशान कर दिया ना। हम उर्दू वाले तो अंग्रेजी में फंस गए। तो ये प्रेफरेंस का मतलब है इननेटली प्रिफर्ड, यानी फितरतन तरजीह जो है आपकी वो क्या है।
तो आप लोगों ने राइट से लिखा, आपने लेफ्ट से क्योंकि बिकॉज यू प्रेफर्ड योर लेफ्ट एंड यू प्रेफर्ड योर राइट इननेटली. तो इसका मतलब एक समझ में आ गया कि इंसान चाहता है अपनी फितरत पे चलना, चाहता है ना. अब उसमें क्या हुआ कि आपने नाम लिखा तो आपको अच्छा लगा, कंफर्टेबल काम कर रहे हैं, कंफर्टेबल लग रहा है. और क्वालिटी कैसी है? अच्छी है. अब इसी नाम को दूसरे हाथ से लिखें, आप राइट से लिखें, आप लेफ्ट से लिखें, और फील द डिफरेंस. हाँ, यानी दो चीजें देखनी है आपने कि आपको कैसा लगा और काम कैसा हुआ. अच्छा नहीं, आपको अच्छा लगा? नहीं लगा. काम सही हुआ? नहीं हुआ. तो हमने जब किसी भी काम को लर्न बिहेवियर या नॉन गैर फितरी तरीके से किया, नॉन प्रेफर्ड तरीके से किया, तो हमें भी बुरा लगा, काम भी गलत हुआ, दोनों चीजें. वो मैं उस पर आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ. ये बात समझ आ गई आपको? तो आपने ना प्रेफरेंस को समझना है. हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि प्रेफरेंस क्या हुआ कि when you प्रैक्टिस योर प्रेफरेंस यू फील एनर्जेटिक एंड यू एंड योर क्वालिटी ऑफ वर्क इज गुड. काम अच्छा होता है, आप खुश होते हैं. बस ये निशानी याद रखें कि जब आदमी फितरत पे चलता है, जब आदमी अपनी प्रेफरेंस को प्रैक्टिस करता है, तो उसको खुशी मिलती है, मज़ा आता है. मैं खुशी से ज़्यादा वर्ड मज़े को यूज़ करता हूँ. एनर्जी इज समथिंग एक्साइटिंग, मज़ा आता है हमें, है ना. चिड़िया उड़ने से नहीं थक के गिर जाती, उसको उड़ने में मज़ा आता है. मछली को पानी में तैरने में मज़ा आता है. व्हेन यू फॉलो योर प्रेफरेंस यू इन्जॉय. और काम जल्दी सीख लेते हैं आप, अच्छा काम होता है, ठीक है. और जब नॉन प्रेफर्ड तो उसका उल्टा होता है. अब आपने जो कहा डेवलपमेंट ये है कि फर्स्ट करें राइट हैंड जो है, या आपका लेफ्ट हैंड अल्लाह ने करे किसी वजह से प्लास्टर चढ़ा दें, और आपको सीखना पड़े लिखना दूसरे हाथ से, और डॉक्टर साहब कहें भी 6 महीने तक आप यूज़ नहीं कर सकते हाथ, तो अब क्या करेंगे? आपको मजबूरन राइट से और आपको लेफ्ट से लिखना पड़ेगा. छः महीने बाद आप गए डॉक्टर के पास, तो आप कहेंगे भाई, डॉक्टर कहेगा भाई मैं प्लास्टर हटा देता हूँ, अब आपको जिस हाथ से लिखना है लिखें. तो अब सिचुएशन क्या है कि आपको दोनों हाथ से लिखना आ गया है. अब किससे लिखेंगे? हाँ, लेकिन ज़्यादा है ना. आप कहेंगे यार बहुत हो गया, इससे लिख लिया, सीख लिया, ठीक है, कभी काम आ जाएगा, वापस आ जाओ फितरत पे, क्योंकि मजा उस पे आ रहा था, उस पे कम से कम मजा उतना नहीं आएगा, ठीक है ना. तो ये है ट्रेड, एमबी डेक्स्ट्रस या दोनों हाथ से लिखना, एमबी वर्ट होना टाइप नहीं है, क्या है? ट्रेड है. तो ट्रेड तो आप कुछ भी सीख ले, ठीक है जी. अच्छा, डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी सीख लें आज, ये बहुत ज़रूरी है. डेवलपमेंट ये कहती है कि पहले स्पेशलिस्ट बनो, फिर जनरलिस्ट बनो. पहले फितरत पे कमाल हासिल करो, फिर फितरत से आगे निकल जाओ, फिर इखलाक. पहले फितरत सीखो, फिर इखलाक सीखो. पहले आदमी बनो, फिर अजीम आदमी बन जाओ. यानी पहले जो हो, अगर ई हो तो ई में महारत हासिल करो, फिर आई भी सीख लो. एस हो पहले एस सीख लो, या आई एस टी जे हो तो पहले आई एस टी जे सीख लो. बहुत जल्दी सीख लोगे भाई, अपनी टाइप पे आप चलेंगे ना तो एकदम मज़ा आता रहेगा, बहुत जल्दी सीख लेंगे. तो 20 साल तक आपको अपने टाइप का चैंपियन बन जाना चाहिए, और फिर आप थोड़ा सा इधर उधर झांकें कि अच्छा मैं अपनी टाइप के बाहर की स्किल ये भी सीख लूँ, वो भी सीख लूँ. हम लोग यानी चूँकि टाइप नहीं देखते, तो वो हमें स्पेशलिस्ट बनने में 50-60 साल लग जाते हैं, ठीक है ना. तो जिनको भी आप काउंसिल करें, उनसे कहें भाई स्पेशलिस्ट तो बनो ना जल्दी से, जो टाइप है वो पहले सीखो. अभी छोड़ो डेवलपमेंट, पहले राइट हैंड अगर ई है तुम्हारा प्रेफरेंस, तो ई जल्दी जल्दी सीख लो. चले मैं उस पे आता हूँ. तो आपको ये समझ आ गया प्रेफरेंस किसको कहते हैं?
प्रेफरेंस किसे कहते हैं? जब आप प्रेफर्ड बिहेवियर को प्रैक्टिस करते हैं तो आपको मजा आता है और काम अच्छा हो जाता है, बस क्वालिटी ऑफ वर्क बेहतर होती है। एंड अपोजिट इज ट्रू फॉर द नॉन प्रेफर्ड। पहली प्रेफरेंस है, डाइकोटोमी है ई एंड आई। इसकी डेफिनेशन को जरूर याद रखें वरना आप हमेशा कंफ्यूज होंगे। एक्सट्रोवर्जन कहते हैं स्किन के बाहर की दुनिया को, इंट्रोवर्जन कहते हैं स्किन के अंदर की दुनिया को। हर आदमी दोनों दुनियाओं में बिहेवियर को प्रैक्टिस कर सकता है, करता है। अल्लाह ने दोनों दुनियाएं हर एक को दी हैं और ये सलाहियत हर इंसान को दी है कि वो दोनों दुनियाओं में जाके प्रैक्टिस करे। जैसे हम दोनों हाथ यूज़ करते हैं, प्रिफर्ड राइट है, लेकिन मैं लेफ्ट बहुत ड्राइविंग कर रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं या कोई सामान उठा रहे हैं, यूज़ बोथ हैंड, नहीं होगा तो बैलेंस ही नहीं आएगा लाइफ में। तो फिर टाइप क्या चीज़ है? टाइप है मज़ा किधर आता है। ई करते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है या आई करते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है, ये है टाइप। तो एक्सट्रोवर्ट बाय टाइप वो होगा जिसको एक्सट्रोवर्जन में मज़ा आए, इंट्रोवर्ट बाय टाइप वो होगा जिसको इंट्रोवर्जन में मज़ा आए, इंट्रोवर्जन वाले काम करने में मज़ा आए। अब आपको ये करना चाहिए कि आप ई और आई के बिहेवियर्स की लिस्ट बनाएं। ई बिहेवियर कौन से हैं, आई बिहेवियर कौन से हैं, हाँ वो कौन से हैं, ये आपको बनाना, तभी तो आप अगले से पूछेंगे ना कि ये करते हो, ये करते हो, ये करते हो, ताकि आपके जहन में 50 काम होंगे तो हमने से 5 पूछेंगे ना आप। जी अभी मैं आपसे बाहर की दुनिया में हूँ या आपके अंदर की दुनिया में हूँ, हाँ, और आपने कल क्या खाया था ये सोचना हो तो आपको कहाँ देखना पड़ेगा, बस यही है, वो अंदर की दुनिया ही है, बाहर की दुनिया। इखलास हो गया जैसे ये, हाँ अंदर की दुनिया, इखलास है, फोकस है, कंसंट्रेशन है, डेप्थ है, प्लानिंग है, रिफ्लेक्शन है। और एक्सट्रोवर्जन क्या है? नए नए लोगों से मिलना, कोई भी काम करना, मैं कुर्सी उठा के वहाँ रख रहा हूँ, एनी एक्शन, वो ई है। नए नए लोगों से मिलना, बातचीत करना, सुनना आई है, लिखना आई है, बोलना ई है। जी लड़ाई झगड़ा है, हाँ फाइटिंग वैसे तो एक्सट्रोवर्जन है। अब वो क्यों फाइट कर रहा है ये देखना पड़ेगा कि उसको पैसे मिल रहे हैं लड़ने के या गुस्से में लड़ रहा है या रेसलिंग, हाँ गुस्से में लड़ा है तो फिर उसका तो इलाज होना चाहिए। अच्छा जी, एस और एन पे आ जाएं आप। ई और आई जो हैं ये क्या है? एटीट्यूड से ना, बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया। एस और एन क्या है? ये लर्निंग स्टाइल है। एस क्या है? 5 senses से सीखना, 5 senses से सीखना। 5 senses कौन सी हैं? सूंघना, सुनना, टच और देखना और सूंघना, है ना, 5। इनसे जो मालूमात मिले इसको एस कहते हैं। एन गट फीलिंग है ना, जैसे कोई भी चीज़, जैसे मैं कहूँ कि बारिशें ज़्यादा हो रही हैं तो अगले साल कहीं इससे भी ज़्यादा ना हो जाएं, तो ये गट फीलिंग आ रही है मुझे कि इस साल इतनी हो गई है तो पिछले साल भी बहुत हुई थी, तो बड़ी बढ़ता ही जा रहा है ये। तो इंट्यूजन, फ्यूचर, इंट्यूजन हमें अल्लाह ने दिया है फ्यूचर देखने के लिए। एस दिया है प्रेजेंट को अप्रिशिएट और पास्ट को रिकॉल करने के लिए। जी सर, इमेजिनेशन एन हो गया, पॉसिबिलिटीज सोचना एन हो गया, फ्यूचर को सोचना एन हो गया। सिंपलीफाई सर, इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे एन को? हाँ, एन ये है कि अवेलेबल इंफॉर्मेशन पे, हाँ पॉसिबिलिटीज को देखना, हाँ इम्कानात को देखना, फ्यूचर को देखना या फ्यूचर का अंदाज़ा आपको होने लगे, या फिलॉसफी कॉन्सेप्ट्स की तरफ रुझान होना, थ्योरी की तरफ जाना, यानी किसी भी इल्म को बग़ैर डेटा के एक्सेप्ट कर लेना, नहीं यार ये मुझे सही लग रहा है, ठीक है, खदशात भी इसी में आ जाएंगे, एन में आ जाएंगे, बिल्कुल खदशा लग रहा है कि ये होगा। तो एस अलग तरीका है सीखने का, एन
अलग तरीका है सीखने का। टाइप क्या है कि किस तरह से सीखने में मज़ा आता है, यह है टाइप, किस तरह से सीखने में आप ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। अब एक आदमी है नफ्सियात पढ़ने में उसको बहुत मज़ा आ रहा है, अकाउंटिंग पढ़ने में पसीना आ जाता है, तो वो क्या होगा, एन होगा। एक आदमी कहे मुझे स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छी लगती है लेकिन थ्योरीज में मुझे मज़ा नहीं आता, तो वो एस हो गया। तो ये फ़र्क है। 80% लोग दुनिया में एस हैं। एस ज़्यादा हैं, एन कम है, हाँ, और उसमें ई अराउंड 55% हैं। और तीसरा क्या है, टी, टी और एफ जो हैं ये फैसला करने के लिए होते हैं। टी क्या है कि कानून के मुताबिक फैसला करना, लॉजिकल, कॉज एंड अफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस देख के, ये करूँगा तो फ़ायदा होगा, ये करूँगा तो नुकसान होगा, चलो फ़ायदे वाला काम करते हैं, लॉजिकल है ना, लॉजिक पे चलना। और एफ क्या है, नहीं मुझे ये अच्छा लगता है मैं तो ये करूँगा, भले नुकसान हो, नुकसान फ़ायदे के लिए नहीं, मैं तो मुझे तो अच्छा ये लगता है, ठीक है ना। तो 80% ख्वातीन एफ होती हैं, 80% मर्द टी होते हैं, ठीक है जी। तो टी लोग जो हैं ये कारोबार इनको जल्दी समझ आता है, ये उनको नुकसान बहुत कम होता है, ये प्रॉफिटेबल काम करते हैं। एफ लोग जो हैं ये इंसान साजी के लिए बने हैं, इंसान की खिदमत करना, इंसान को डेवलप करना, ये एस लोगों का कमाल होता है, ठीक है ना। एफ लोगों का, एफ लोग इंसान के लिए, टी लोग कारोबार के लिए, पैसा, वक्त, कारोबार, हाँ ज़रूरी है ना, इसके अल्लाह ने दुनिया को सबब से जोड़ा है, ठीक है जी। और जे और पी क्या है, जे और पी के हम लाइफ स्टाइल यानी हाउ वी ऑर्गेनाइज द एक्सटर्नल वर्ल्ड। जे लोग कहते हैं मुझे ऑर्गेनाइज करना है इसको, तो वो गोल सेट करते हैं, प्लान करते हैं, काम को क्लोज करना चाहते हैं। पी लोग हैं वो क्यों की तलाश में रहते हैं, समझना चाहते हैं चीज़ों को। वो जे हाँ, वो शाह साहब जे हैं और जो बातें कर रहे थे वो जे और पी की कर रहे हैं, ठीक है जी। थोड़ा बहुत समझ आया आपको यहाँ तक, हाँ हाँ। देखें जे रवैया ये है कि आधी दुनिया जे है, तो जे लोगों की फितरत ये होती है कि वो अपने बाहर की दुनिया, ये जो एक्स्ट्रोवर्जन है ना, इसको ऑर्गेनाइज करें, ऑर्गेनाइज सिस्टम, कानून के मुताबिक, तरतीब के मुताबिक। बेतरतीबी इनको बिल्कुल पसंद नहीं होती, जे लोगों को तकलीफ़ देती है, कहते हैं सही करो, वक्त पे आओ, वक्त पे जाओ, हर काम तरतीब से, सिस्टम से होना चाहिए। तो वो सिस्टम बना देते हैं, नहीं भी होता है तो बना देते हैं ताकि वो खुश रहते हैं सिस्टम में। और पी लोग जो हैं उनका उस सिस्टम की तरफ ध्यान नहीं होता, उनका ध्यान होता है क्या चीज़ मालूम नहीं है लोगों को, वो मैं ढूंढूं और मालूम करूं, उसका हल निकालूं, है ना। वो इसलिए साइंसदान और फिर इन्वेंटर और सहाफ़ी, वो इस तरह के शोबों में जाते हैं। नहीं, क्रिएटिविटी की तो डेफिनेशन है, हर तरह की क्रिएटिविटी हो सकती है, मगर आपका मतलब मैं समझ रहा हूँ कि पी लोग भी अच्छे होते हैं, जे लोग भी अच्छे होते हैं, दोनों अच्छे होते हैं। हाँ आप सही कह रहे हैं कि जे लोग जो है ना वो मैनेजेरियल सलाहियतें इनमें ज़्यादा होती हैं, जे लोगों में मैनेजेरियल सलाहियतें ज़्यादा होती हैं, और पी लोगों में सही फरमा रहे हैं कि वो हल तलाश करना ना, तो अरे उसको क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं कि उनमें क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है। अच्छा कीवर्ड जो है ना, कीवर्ड याद रखें, जे का कीवर्ड है ऑर्गेनाइज और पी का कीवर्ड है अंडरस्टैंड। अब कोई भी काम हो रहा है समझ नहीं आ रहा कैसे हो रहा है, तो पी उसका हल निकालेगा जी। और मैंने ये अभी ये आपकी चीज़ों से मैं इसको थोड़ा सा डीकोड किया है कि जो एम्प्लॉई बहुत क्रिएटिव सोल्यूशन दे रहा होता है ना, वो यूजुअली चीज़ों का बाउंड नहीं होता, वो बहुत टाइम से भी कभी कभी आ रहा होता है, वो बहुत फिर चीज़ों को अपनी जगह पे जो है ना वो कॉन्टिन्यूसली की फॉर्मेशन में नहीं रहता होता, लेकिन ही सब क्रिएटिव गाय है। तो अब आया कि ये ऐसा ही है जैसा मैं डिकोड कर पाया, नहीं नहीं अभी ऐसा ही है, अभी अभी डिकोडिंग जब मुकम्मल हो जाएगी ना तो आपको अपने सवाल का मुकम्मल जवाब मिल जाएगा। अच्छा तो आपको ये समझ आया कि इन चारों डाइकोटोमीज में प्रेफरेंस कैसे ढूंढते हैं, ठीक है ना। अगर आप ढूंढ लें अपनी तो अपनी टाइप आ जाएगी, और किसी और की ढूंढ लें तो उसकी टाइप निकल आएंगे।
ठीक है जी, यही 16 टाइप निकलती हैं। कोई सी टीम भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। क्या मतलब? IJ, IJP। नहीं, चार से कम तो है ही नहीं ना, टाइप में चार लेटर्स होंगे। चार में से एक एक चूज करेंगे। हाँ, ये चारों में से एक एक लेटर चूज करेंगे तो ये 16 टाइप बनेंगी। तो दुनिया में 16 टाइप्स के लोग होते हैं, फितरतन दुनिया में 16 तरह के लोग पाए जाते हैं। अगर मेरी टाइप ENFP है, अगर मेरी टाइप ENFP है तो दुनिया में करोड़ों ENFP हैं, दुनिया में करोड़ों ENFP हैं। वो सब मुझसे सेम नहीं होंगे, लेकिन सब मुझसे सिमिलर होंगे। जैसे दो सेब सेम नहीं होते, मगर दिस इज द ब्यूटी ऑफ टाइप। आपको किसी की भी टाइप बताओ, आप उसका 80-90% बिहेवियर पूरी जिंदगी का प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तुम्हारी क्या टाइप है? अभी नहीं पता चली। अच्छा, गुड। हाँ, नहीं, पूरी टाइप, पूरी टाइप पता चलनी चाहिए। सर, दो में बंदा कंफ्यूज है, इसमें मजा है। नहीं, जिसमें कहाँ मजा, जिसमें है। अभी मैं आपको और दिखा रहा हूँ, सिर्फ मैं टाइम देख रहा हूँ। अच्छा, देखें, अब मैं ई और आई को थोड़ा, जी जी प्लीज। सर, ये कैसी टाइप है? जैसे मेरी ESTP है, ठीक है, उसमें जो E है वो 55% है। नहीं, देखें, परसेंटेज में टाइप होती नहीं है। ये कहां से, किसने बताया परसेंटेज से निकालना? नहीं, हमने ये गूगल नहीं, नहीं, परसेंटेज से मजे का अंदाजा नहीं होता। आपने काम ही नहीं किया जिसमें मजा आना है, तो 0% आ जाएगा। मजे का तो पता उसको होगा ना जिसको मजे का पता हो। जिसको मजे का पता ही नहीं है उसके तो 0% मजा आएगा। तो टाइप तो फिर भी उसकी वही है जो मजा आता है, फिर क्या होगा? आप कहेंगे 0% वाला इसकी टाइप है और 100% वाला जो उसकी टाइप नहीं है। तो ये टाइप नंबर से नहीं आती। ये लोग अपने वेबसाइट बेचने के लिए अपना कारोबार, जिनको जो नकारा गलत लोग हैं ना, जो फेक लोग हैं, वो ये हरकतें करते हैं। तो टाइप प्रेफरेंस का नाम है, आपने देखना है मजा किधर आ रहा है। नंबर्स में टाइप नहीं निकलती। क्या चीज? नहीं, जो बाज़ औक़ात बिहेवियर होते हैं ना, जो कभी कभी के बिहेवियर हैं, वो टाइप नहीं होते। टाइप तो आपको, मछली को हमेशा तैरने में मजा आएगा, परिंदे को हमेशा उड़ने में मजा आएगा। जो जो सिचुएशनल बिहेवियर हैं वो टाइप नहीं होते। थोड़ा सा ना आपको पढ़ना पड़ेगा, जितना आप पढ़ते जाएंगे ना और क्लैरिटी आती जाएगी। बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया, मेरा सब्जेक्ट भी जो है ना 5-6 साल से फेवरेट सेल्फ डिस्कवरी है। और टाइप क्या है आपकी? ये पहली नहीं, चार लेटर्स बताएं। टाइप पहली नहीं होती, ये पूरी टाइप है ना। चार लेटर बताएं अपने, क्या है आपकी टाइप? देखिए, चार लेटर जो नहीं बताएगा वो नहीं जा सकता बाहर। सर ने मना किया है, है ना, उन्होंने छुट्टी नहीं है आज, है आपकी। बट टाइप निकाल लें अपनी। अभी आपको अपनी निकालनी नहीं है, ये आप अगले की कैसे निकालेंगे? पैसे तो आपने पूरे चार्ज करने। नहीं, वो भी हम डिटेल डिस्कस कर रहे हैं, अभी एक घंटा है हमारे पास। जी, मैं बता रहा हूँ। जी बेटा, क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, वो पीछे आपके हैं। हाँ हाँ, अच्छा, वो अभी आएगा बेटा। ESFJ को कहते हैं प्रोवाइडर। ये लोगों की खिदमत करके खुश होते हैं, अपनों की खिदमत करके। नहीं नहीं, ये दी नहीं, ये दी तो ISFJ हैं, ये ESFJ। जी, ये दो दिन पहले मैं अपने एक उस्ताद से मिला, वो भी मोटिवेशनल ट्रेनर है, लेकिन उनकी जो फितरतन वो आई है वो खामोश है। उनके खामोशी जो है ना, सबसे पहला जो उनका आंसर है,
अच्छा मैं मेरा शौक था कि मैं उनकी डेप्थ में जाऊं, मैं उनको समझने की कोशिश करूं, तो मैंने पूरा दिन उनके साथ बिताया और लास्ट में शाम को ना इतना मुझे स्ट्रेस फील हो रहा था कि मैं अगर रात को यहाँ पर रुका ना तो पता नहीं मुझे कुछ हो जाएगा, भाई इतनी उस डेप्थ में वो सोच में चला गया था। आपको उस्ताद कोई नहीं कुछ नहीं सिखाने वाला उस्ताद है सर, आगे जाना। अच्छा जी, अच्छा मैंने आपको बता दिया कि ई और आई ये सब क्या होते हैं, मैं डेप्थ में थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ। आप इसकी ई क्या है, इंटरेक्शन विद द आउटर वर्ल्ड, आई क्या है, इंटरेक्शन विद द इनर वर्ल्ड। अब इसमें मुख्तलिफ तरह के बिहेवियर आपने देखने, जैसे ई लोगों की बातें उनकी सोच होती है, कम्युनिकेशन स्टाइल ई लोगों का क्या होता है, बोल के सोचते हैं, जबकि आई लोगों की बातें उनका फैसला होते हैं, है ना। आई बच्चे अकेले पढ़ना चाहते हैं, ई बच्चे ग्रुप स्टडी करना चाहते हैं। आई बच्चे जवाब आता हो ना वो जवाब नहीं देना चाहते क्लास में या मीटिंग में, ई बच्चों को जवाब ना भी आता हो तो वो सवाल पूछना चाहते हैं ज़्यादा, ठीक है जी। ये टाइप है जिससे आपने अंदाज़ा लगाना है। ई की खुशी ई करने में है, आई की खुशी आई करने में है। तो आई को ऐसा पेशा लेना चाहिए जिसमें 70-80% आई करने का मौका मिले, ई को ऐसा पेशा लेना चाहिए जिसमें उसको 70-80% टाइम ई करने का मौका मिले। वर्क प्लेस में आई चाहता है उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, वो रूम में जाके बैठे बार बार कोई फ़ोन आ रहे हैं ये आ रहे हैं, नहीं वो करे आराम से काम। ई लोग चाहते हैं घंटा काम किया ज़रा चिट चैट करें फिर काम करें, तो वो अच्छा काम करते हैं। ई लोगों को जानना आसान होता है, खुली किताब की तरह होते हैं। आई लोगों को जानना मुश्किल होता है, वो उनकी दोस्तियां कम होती हैं मगर गहरी दोस्तियां होती हैं। वो आपने किसी से ना, आप किसी ई से कहें भाई ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, किसी से कहना नहीं। किसी ई को आप राजदारी की कोई बात बताएं और कहना भाई ये किसी को कहना नहीं, तो वो और ज़्यादा उसका दिल चाहेगा मैं सबको बता दूं, मगर सबसे कहूं भाई किसी को आगे किसी को नहीं कहना, मालूम है सबको पता चल गई। आई को बोले भाई ये जरूरी बात है बता दो जाके सबको, अब आई बोलेगा यार ये भी कोई बताने की बात है, ये तो सबको वैसे ही पता होगी। यार हो सकता है, देखें सारे का तो हम इतना स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन बहरहाल टाइप की हम बात कर रहे हैं। ई को परेशान करना हो उसको तनहा छोड़ दें, आई वाले काम कराएं, लिखने को दें, सुनने को दें, बोलने ना दें, तो ई बीमार। आई को टेंशन देनी हो उसको नए नए लोगों से मिलने को कहें, बोलने को बोलें, हैं तो आई बीमार, सही है। तो ये है टाइप, टाइप छुप नहीं सकती। अब लोगों को पहचानें, जिना ई हैं आई हैं, देखें ये जो गैसिंग है ना, गैसिंग को मैंने ऐसे ऐसे गोरों को देखा है, वो 25 साल हो गए उनको इस फील्ड में, मगर कहते हैं यार हम रोज नया सीखते हैं। तो नेवर अज्यूम के यू आर द मास्टर ऑफ टाइप, इंसान बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो बहरहाल मेरा गैस है कि ये आई हैं, लेकिन ई भी हो सकते हैं भाई। इकबाल आई, मेरा ख्याल है ये ई हैं। अब लोगों के इंटरव्यूज सुने ना, उनके बिहेवियर देखें पूरी ज़िंदगी का, तो आपको अंदाज़ा होता है। ये मुझे ई लगते हैं, इमरान खान ई है, ई ये आई आई ई। अच्छा बहरहाल अनवर मकसूद आई है, आई है, आई 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 ई ई। अमूमन ये आप देखेंगे कि आई की एक्सीलेंस आई से आती है, ई की एक्सीलेंस ई में आती है। इलॉन मस्क मुझे आई लगता है। अच्छा जी, थोड़ा ई ज़्यादा समझ आया, थोड़ा आपको और आपको समझ आ गई अपनी? हाँ, तो बिलफर्ज अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो और पढ़ें, समझ आ जाएगा। टाइप मैंने आपको बॉटम लाइन्स बता दी, टाइप होती है इंसान की एक, और ये परसेंटेज में नहीं होती, और ये एस और एन मैंने बताया था लर्निंग स्टाइल है,
एस जो है ये फाइव सेंसेस से सीखने को कहते हैं, एन जो है ये छठी हिस से सीखने को कहते हैं, दोनों सीखने के अमल हैं। लेकिन इसमें टाइप होती है, एस लोगों को एस से सीखने में मज़ा आता है, एन लोगों को एन से सीखने में मज़ा आता है। ये लोग 80% हैं दुनिया में, ठीक है ना। तो एन लोगों का सवाल होता है मैं क्यों करूं? हाँ मैं बता, वही बता, एन लोगों का सवाल होता है काम को क्यों किया जाए, है ना। वो विजन पहले देखते हैं, वो फ्यूचर पहले देखना चाहते हैं, वो एंड पहले देखना चाहते हैं, फिर रिवर्स आते हैं वहाँ से। एस कहते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। एस का क्या सवाल होता है? वो क्यों में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। एस कहता है क्या करना है और कैसे करना है। तो एस जो है वो स्ट्रेट चलते हैं, बातें भी उनकी सीधी होती है, जो दिल में बाहर है जो। एन जो है वो ज़रा सा इशारों में बात करते हैं, रीडिंग बिटवीन द लाइन, जो लिखा हुआ है वो नहीं नज़र आ रहा, उस पर तवज्जो नहीं है, जो नहीं लिखा हुआ है वो नज़र आ रहा है उनको, है ना। एन की निगाह वहाँ होती है जो नहीं दिख रहा है ना, बैनुस्तूर। तो ये टाइप है, ठीक है जी। मगर मसला ये है कि अल्लाह ने सलाहियत हर इंसान को दी है एस से सीखने की और एन से सीखने की। ऐसे भी तो सकता है कि थोड़ा सा एन यूज करें, एस भी यूज करें, यानी मिनिमम अमाउंट में एन। ज़्यादा मज़ा किस तरह से सीखने में आता है वो आपकी टाइप है। अगर आप एस हैं तो पहले एस में मास्टर हो जाएं, फिर एन भी सीखें। एन हैं तो एन में मास्टर हो जाएं, फिर थोड़ा सा एस भी सीखें। तो मगर ये कि कम से कम अगर आप एन हैं तो एस को वैल्यू तो दें, और आप एस हैं तो एन को समझने की कोशिश करें। हम तो झगड़ने पे आ जाते हैं, नहीं समझ आता हमें, है ना। एस कहता है लैपटॉप बांटो, एन कहता है डैम बनाओ। भाई दोनों सही हैं तो दोनों काम करो, लड़ो तो नहीं ना हैं कि लैपटॉप देना गलत है या रोडे बनाना गलत है और दरख्त उगाना सही है। तो दोनों सही हैं, तो इंसान को समझ के जब हम बात करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है जी। तो एस लोगों को डिटेल्स पे ग्रिप अच्छी होती है, दे आर मास्टर ऑफ नंबर्स। एन बच्चे जो होते हैं दे आर द ड्रीमर्स, और आइडियाज़ इनको बहुत आते हैं, क्रिएटिविटी। और जो आदमी देखता है वही बोलता है, तो ये एन है और ये एस है। लोगों की किताब से, लोगों की लिखाई से, लोगों की शायरी बता देती है कि लिखने वाला एस है या एन है। एस लोग एस कारोबार करना चाहते हैं, एन लोग एन का। एस कारोबार कौन सा होता है? जिसका सबूत मौजूद हो, जिसकी कामयाबी का सबूत हो, शुगर इंडस्ट्री, लोहे की इंडस्ट्री, जिसमें लोगों ने काम किया हो, डेटा अवेलेबल हो। और फिर वो एन कहता है जो काम हो गया उसमें अब मेरा क्या काम, मैं वो काम करूँगा जो अभी तक नहीं। तो वो फिर फेसबुक बनाता है, वो गूगल बनाता है, वो टेस्ला बनाता है, वो काम। आप क्या पूछ रहे थे, मिल गया जवाब? मिल गया, ठीक है ना। एस को डिटेल देखनी होती है, इनको पर्सपेक्टिव देखना होता है। किताबें एन को पसंद आएंगी, एस को एन को, है ना। किताबें एन के लिए हैं। एस कहता है यार ये तो समझ नहीं आ रहा, करके देखते। तो इसलिए अंग्रेजों को भी समझ आ गई। तो हमने क्या निकाला? लर्निंग थ्रू प्ले, एक्टिविटी बेस्ड लर्न। एस जब तक करेगा नहीं ना, उसको नहीं समझ आती चीज, यानी करता हुआ देखना भी नहीं, उसको खुद करना है। एस के सामने आपने परफॉर्म कर लिया तो उसको नहीं समझ आएगी, कहेगा नहीं मैं जब तक खुद नहीं करूंगा ये नहीं समझ। तो एस को एस करना होता है, ठीक है जी। एन है कि वो देख के सीख लिया, पढ़ के सीख लिया। तो बा महावरा जुबान किसकी होगी? एन की होगी। एस तो स्ट्रेट बात करेगा। अच्छा जी, ये एस होते हैं या एन होते हैं? अच्छा जी, जिना एन थे, एन 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 एस। एस लोगों की जिंदगी बताएगी कि वो एस हैं, एन की जिंदगी बताएगी कि वो एन है।
हाँ वो घुमा के तो बात कर नहीं सकते ना, उनको पता वो स्ट्रेट बात जो दिल में सामने उनके उनके जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं ना वो भी बड़े स्ट्रेट होते हैं। जरदारी साहब क्या है? एन ए एस ए एन कैपिटल एन नहीं, बड़ा डेवलप है एन, बहुत डेवलप है माशाल्लाह बहुत ज्यादा। आई एन टी जे इनकी टाइप है। हाँ साहब भी एन है, एन है, एन है। ये ऐसे हैं, ये भी ऐसे हैं, वो आई एस हैं, ये ई एस हैं। नाम से भी पता है। बेनजीर वाज एन 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 एन, ये एन है, ये ऐसे, ये भी ऐसे, ये एन 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 एस है। आफरीदी एन है, ये एस है। एस क्या करेगा? सिंगल सिंगल लेगा ना, उसका एटीट्यूड ही डिफरेंट होगा ना क्रिकेट के। एन तो कहेगा यार ये सिंगल कौन लेना है, लगाओ एक उधर। ये एस है, एस लोग करते हैं, एन लोग बोलते हैं, यानी सोच का इजहार कहाँ से होगा, या लिखाई से होगा या बोलने से। तो ये एस कहते, ऐसा अजीब देखे ना कि एस लोग क्यों करते हैं, उनको करने में एन लोग क्यों बोलते हैं कि उनको बोलने में मजा आता है। अजीब अल्लाह का निजाम है ना। यानी कि दो तरह के एन हो गए, ई एन और आई एन। आई एन को लिखने में मजा, ई एन को, तो ये सारा मजे का चक्कर है। यानी ये समझना बहुत जरूरी है सर। और इसी को अल्लाह ने नफ्स कहा, वो कहा कि नफ्स के बाहर निकलो तो जन्नत है ना। मजे में हर वक्त मजा बुरा नहीं है, लेकिन नजर रखोगे हर कहीं मजा आपको कहीं बुराई की तरफ ना ले जाए। तीसरा डोमेन है कि हम फैसले कैसे करते हैं। तो ये है टी, प्रोस एंड कॉन, फायदा नुकसान, लॉजिक। लॉजिक क्या है? फायदा होना चाहिए। लॉजिक क्या है? वो एक ड्रामे का डायलॉग बड़ा मैंने देखा फेसबुक पे के, क्या मोहब्बत कैसा हिसाब है कि जिसमें से दो में से एक जाए तो कुछ भी नहीं बचता। मोहब्बत में दो में से एक चला है, वरना हिसाब है तो दो में से एक गया एक बचा। तो मोहब्बत इज इलॉजिकल, लव एंड केयर इज इलॉजिकल, वो एफ है। जबकि हिसाब किताब में तो दो में से एक गया तो एक बच गया। तो ये है कि आप ये समझें, तो 80% मर्द थिंकर होते हैं, 80% थिंकर का ये मतलब नहीं है कि सोचने वाले, थिंकर का मतलब ये टाइप के वर्ड्स हैं, लॉजिकल डिसीजन मेकिंग, ये इसका मतलब है। ये अंग्रेजी के मीनिंग पे कभी मत जाइएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये यूंगियन वर्ड्स हैं, यूंगियन मीनिंग है इनकी। थिंकर का मतलब अ पर्सन हु प्रिफर टू मेक डिसीजन यूजिंग लॉजिक, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। अच्छा, ये अपने लिए भी टी होते हैं, ये टी लोग ही नहीं आपके लिए टी हैं, ये अपने लिए भी टी होते हैं। ये अपने ऊपर भी, अपने जज्बात को भी बहुत दबा के और कानूनी तौर से चल रहे होते हैं। आप पता नहीं किस पे फूक रहे होते हैं, नहीं पता मुझे, लेकिन बहरहाल। तो इंसाफ, इंसाफ कौन करेगा? टी, टी को इंसाफ चाहिए, एफ को रहम चाहिए हैं। ये सॉरी सॉरी कौन ज़्यादा करेगा हर वक्त? सॉरी सर है ना। और टी के सामने करेगा तो टी हंसेगा, बेवकूफ़ ना, ऐसा समझता है कि मैं टी के सामने सॉरी करूँगा टी बहुत खुश होगा। टी मजाक उड़ाता, कहता है ये क्या नुकसान किया है भरो, फ़ायदा किया है शेयर करो, ये सॉरी थैंक यू क्या चीज़ है भाई हैं। तो हाँ, एफ आदमी के सामने एफ बातें कर सकते हैं, वो सॉरी को थैंक यू को वैल्यू दे सकता है। तो टी लोगों का, टी पीपल आर डिजाइन टू डू बिजनेसेस, टी पीपल आर डिजाइन टू रन इंडस्ट्रीज, टी पीपल आर डिजाइन टू डिवेलप बिजनेसेस। वर्ल्ड ऑफ वर्क के चैंपियन होते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का। और एफ लोग वर्ल्ड ऑफ पीपल के चैंपियन है, इंसान की खिदमत या इंसान को डिवेलप करना। ठीक है जी, तो हम टी और एफ में बड़ा एक कॉमन जो लड़ाई होती है ना, वो लहजे पे होती है। टी का लहजा ज़रा सख्त होता है। तो वो सख्त क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि दे आर डिज़ाइन टू वर्क विथ मशीन्स। तो मशीन को अच्छे लहजे की तमन्ना
नहीं होती, और मशीन को क्रिटिक करने से मशीन ठीक होती है, जबकि इंसान के लिए अलग हिसाब है। इंसान को तनकीद करें इंसान और नीचे जाता है, और इंसान से आप तल्ख लहजे में बात करें वो और नाराज़ होता है। तो ये बड़ा झगड़ा है कि एफ़ लोग बिजनेस में जाके भी एफ़ हो जाते हैं, हर आदमी चूने लगा के चला जाता है, और टी लोग जो हैं वो अपनों के साथ भी तल्ख हो जाते हैं कि वो रिश्ते भी टूट जाते हैं। तो ये सीखना है, एफ़ लोगों को टी सीखना है कि भाई घर में एफ़ करो मगर जब कारोबार करो तो होशियारी से करो, है ना। और टी लोगों को सीखना है कि जब बिजनेस में रहो तो भले तल्ख हो जो भी हो मगर जब इंसानों के पास आओ तो अपने लहजे को देखो, अपने अल्फाज को देखो, अपनी टोन को देखो, है ना, ये बहुत ज़रूरी। हाँ सवाल, अगर एक किसी इंसान की टाइप मुख्तलिफ है और वो नुकसान में है, इदारे के नुकसान है। नहीं समझ आया मुझे, मुख्तलिफ क्या मतलब है? टाइप तो 16 में से एक होगी, सही सही बताएं ना, पूरी बात बताएं। आप आधी बता रहे हैं आधी गोल कर रहे हैं। टाइप का नुकसान है, किसको कहां नुकसान है समझ में नहीं आ रहा। अगर एक टाइप नेगेटिव काम करती है, नेगेटिव टाइप है किसी, नेगेटिव टाइप नहीं होती है ना, हर टाइप पॉजिटिव होती है। अच्छा एक आदमी है गलत काम कर रहा है, हाँ तो उसको पुलिस के हवाले करें, किस तरह से यानी कि इंसान टाइल करे कि वो नहीं, उसको किसी कोच के पास भेजें, इलाज कराएं ना, ये गलत आदमी का इलाज होना चाहिए, डॉक्टर के पास भेजें। नहीं आपका, आपने अच्छा बात समझा दी बिल्कुल। अगर ऐसा है तो ये तो मसला हर इदारे का है, हर इदारे में मुख्तलिफ तरह के लोग हैं। इदारे वालों को पता नहीं है, वो कहते हैं बंदे सही काम नहीं करते, उनको निकाल देते हैं, नए रखते हैं, कहते हैं ये तो उससे भी नाकारा है, उसको भी निकाल देते हैं, फिर नए रखते हैं, वो दो दिन में चले जाते हैं, वो परेशान रहते हैं। तो जो जिस कंपनी में ऐसा है उसको मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दें, मैं बता दूंगा ना किसको कहाँ रखना है यार, वरना ऐसे ही होता रहेगा। हाँ राइट पर्सन और फॉर द राइट जॉब करा देंगे उसको, है सर सही है ना, इलाज तो डॉक्टर के पास ही है ना, वरना तो भुगतना ही पड़ेगा। हैं नहीं मैं हूँ एफ टी, मेरी बेगम ने मुझे सिखा दिया है, बेटा कहती है पैसे नहीं कमाओ तो घर नहीं आना, पहले पैसे कमाओ जाके। नहीं सही कहती है, कहती काम है तुम्हारा ना, कहती है मैं तुम्हारे चार बच्चे पाल रही हूँ, तुम भी तो कुछ करो जाके। मैंने कहा हाँ सही बात है, फिर मैं जाके मैं पैसे कमाऊंगा तो घर जाऊंगा, वरना तो नहीं जाएंगे। उस कंपनी का एचआर को ये पर्सनालिटी सीखना जरूरी है। हाँ मुझे बड़ा गुस्सा होता है एचआर के लोगों पे, आता वाता कुछ है नहीं और नाम रखा हुआ है एचआर हेड, बिल्ले अपना पता नहीं है एचआर हेड, साइकेट्रिस्ट बने हुए, पता अपनी साइकी का नहीं है उनको, है हाँ दुनिया में सीख रहे हैं, यहाँ ज़रा हम लोग पीछे हैं, हमारे यहाँ डिमांड नहीं है। डिमांड आएगी ना एम्प्लॉयज़ की तरफ से तो फिर वो सीखेंगे जाके, अभी मगर अब बहुत तेज़ी से सीख रहे हैं, सीखना चाहिए। क्योंकि मैं ब्रिज पे क्रिटिक भी लेके आई थी ना कि जो ह्यूमन बीइंग है वो कंसिस्टेंट नहीं रहते, कंसिस्टेंट बिहेवियर नहीं शो करते, जैसे जब बच्चों से पूछा तो वो कहते हैं कि मेरे मूड पे डिपेंड करता है, अगर बच्चों को कह रही है काम। हाँ पूरा सेशन शुरू से लिया आपने जी। अच्छा नहीं नहीं वो जो क्रिटिक है ना वो इस तरह की कोई क्रिटिक नहीं है इसके ऊपर, इसके ऊपर जो क्रिटिक है वो क्वेश्चंस की वजह से है, और दूसरी क्रिटिक उन लोग वो लोगों की जिनको टाइप समझ में नहीं आई। और मुझे मैंने ये सवाल भी इसलिए पूछा कि अगर आप शुरू से हमारे सेशन में आज के तो आपको टाइप समझ आ जानी चाहिए कि बिहेवियर टाइप होती नहीं है, हम तो प्रेफरेंस को बात कर रहे हैं ना, प्रेफरेंस टाइप होती है। तो जो लोग बिहेवियर को टाइप समझते हैं या ट्रेट्स से टाइप पहचानते हैं तो वो गलत कर रहे हैं, अब वो टाइप को गलत कर रहे हैं तो उनसे हम बहस नहीं करते, भाई आपको पता ही नहीं है जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, सेब को आम समझ रहे हैं, आम को सेब समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि सेब सही नहीं है, तो ऐसे आदमी से क्या बात करें आप। ठीक ये तो मेरी गोरों से बहुत लड़ाई होती है, वो लिखते रहते हैं लिंक्डइन पे, मैंने कहा तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम पहले अपनी नॉलेज तो अपडेट करो ना जाके।
तो वो कहते हैं आप इतना स्ट्रेट कह देते हैं। मैंने कहा हम लोग ज़रा ज़्यादा पिटे हुए लोग हैं, तो हम बहुत ज़्यादा अखलाक नहीं है हमारे अंदर, हम सुनते भी ज़्यादा हैं तो सुना भी देते हैं, सही है ना। हम गोरा है तो क्या हुआ, सुने। हाँ, गोरों में वैसे अखलाक ज़्यादा होता है हमसे, कम से कम दिखाने वाला अखलाक उनका, जिसको हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कारोबारी अखलाक, वो बहुत अच्छा होता है उनका। पीठ पीछे भले गाली दें आपको, सामने वो बड़ा अच्छा जी, तो एफ और टी समझ आ गया आप लोगों को, है ना। एफ के अंदर होती है इंसान को पहचानने की सलाहियत, अंडरस्टैंड करने की। टी लोगों के अंदर होती है इंसान को एनालाइज करने की सलाहियत। एफ से आप मिलेंगे, एफ खुश हो जाएगा, टी से मिलेंगे, टी यूं हो जाएगा। हाँ, टी का निगाह है आपकी सोच पे, क्यों आया है, क्या चाहता है। जज नहीं, एनालाइज, जज का अलग मतलब है, एनालाइज, क्यों आया है, क्या चाहता है, बेसिकली सोच क्या रहा है ये। टी आपकी सोच को देख रहा होता है, एफ आपके दिल को देख रहा है, ये चाहता क्या है, इसको क्या दूँ, चाय दूँ, शरबत दूँ, परेशान लग रहा है, खुश लग रहा है, क्या लग रहा है, है ना। तो ये आपने सीखना है कि अगर आप एफ हैं तो टी भी सीखें, मूड भी देखें अगले का और उसकी सोच भी देखें, क्यों आया, क्या चाहता है, क्यों बोल रहा है, ये जो बोल रहा है क्या कह रहा है। मगर ये धोखा है ना, एफ को बेवकूफ़ बनाना हो तारीफ़ें शुरू कर दें एफ़ की। एफ तारीफ करते भी बहुत हैं मगर उनको तारीफ पसंद भी बहुत होती है, इसी धोखे में बहुत एफ मारे जाते हैं, वो बेवकूफ़ बन जाते हैं। हाँ, तो एफ को इससे निकलना चाहिए ना, कि कोई भी तारीफ, अब टी की तारीफ करें आप, वो फौरन पूछेगा भाई चाहता क्या है, तू ये बताना, काम क्या है। उसको पता है ये तारीफ मुँह पे कर रहा है, हाँ ताल में कल है। तो हमें इस तरह टाइप की कैद से निकलना होता है कि हम, अच्छा टी पे कहाँ फंसते हैं, टी पैसों में फंस जाते हैं, टी से काम कराना हो थोड़ा सा, उसकी जेब में कुछ डाल दें, हैं आधा तुमको दे दूंगा, मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिला दो, वो वहाँ फंस जाते हैं, उनको उससे बचना होता है, है ना। एफ को ऐसे फंसाया जाता है, टी को ऐसे फंस, टी में फंसता है, पैसा और वक्त, ये टी हैं, लॉजिकल चीज़ें, और तारीफ और केयर ये सब एफ चीज़ें। तो ये आपके लिए धोखा ना बने, नुकसान ना हो, इससे ये देखना होता है, ठीक है जी। तो आपको समझ आया एफ लोगों को कारोबार में नुकसान क्यों होता है, ड्यू टू लैक ऑफ एनालिसिस, क्वालिटी एनालिसिस नहीं करते हो, है ना। वो भाई कोई पूछे ये देग कैसी है, यार ज़रा चेक के दिखाओ, खा लिया, यार ये बीच की देग नहीं, ऊपर की सही नहीं, नीचे की दिखाओ, वो खाई, यार ये गोश्त की बूटियाँ तो नीचे होंगी ना, नीचे की भी एक, वो तीन प्लेट खा ले, उनको यही समझ नहीं आ रहा बिरयानी कैसी है। टी जो है ना वो ऐसे बताएगा बिरयानी कैसी है, उसको चखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पावर ऑफ एनालिसिस है, एफ लोगों को बहुत मुश्किल से आएगी, टी का टैलेंट है, टी का गिफ्ट है, ठीक है जी। समझ आ गई आप लोगों को। तो टी आर डिजाइन टू बिल्ड बिजनेसेस, टी को नाराज करना हो उसके सामने एफ बातें शुरू कर दें, जज्बाती बातें, वो बहुत परेशान होते हैं, और एफ को नाराज करना हो तो आप एफ से नाराज ही हो जाएं तो वो नाराज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, यानी इतना सा भी कॉन्फ्लिक्ट एफ लोगों को पसंद नहीं होता, ठीक है जी। एफ के लिए एफ कैरियर हैं, टी के लिए टी कैरियर हैं। हमारा दोस्त था बहुत पहले, वो आईटी में चला गया दुबई, तो वो आईएनएफपी था, तो मैंने कहा यार इसका क्या काम है आईटी में, एफ को एफ चाहिए होता है, उसको एफ नहीं मिलता वो बेहोश हो जाता है, यानी बीमार हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, खुश नहीं रहता, टी को टी ना मिले वो बीमार हो जाता है, वही वो 6 महीने बाद आया एकदम हड्डी। तो एफ को बहरहाल एफ चाहिए, जिना मेरे ख्याल एफ थे, टी नहीं थे, ये एफ थे, एफ एफ टी 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 टी। अच्छा देखें, जे और पी जो है मैंने आपको बताया था ये क्या है, कि हाउ वी लिव द आउटर वर्ल्ड। जे का मतलब है ऑर्गेनाइज्ड, पी का मतलब है अंडरस्टैंड। तो जे वर्क वेल विथ प्लान, एंड टी कहता है जो काम आता जाए वैसे करते जाओ। तो पी आर द फ्लेक्सिबल वन, जे आर द ऑर्गेनाइज्ड वन।
जे लोगों को परेशान करना हो उनके प्लान को चेंज करते रहे हैं, टूट जाते हैं, और पी को परेशान करना हो उसको फौजी इन्वायरमेंट दे दें, गेट पी पी की वहीं शहादत हो जाती। ठीक है जी, तो जे को जे वाले काम दें, पी को पी वाले काम दें। ठीक है जी, जे को काम ख़त्म करके अच्छा लगता है, पी को काम शुरू करके अच्छा लगता है, नए नए आइडियाज़ आते हैं ना, क्रिएटिविटी। अच्छा जी चले, तो ये हो गया जे और पी, आपको समझ आ गया अपना। हाँ, सबको टाइप पता चल गई अपनी? Yes, sir. अच्छा जी, ये आपको टाइप पता चल गई तो कार्ड आपके पास तो है, उसमें मार्क करें। और ये टाइप किसी को भी ना अपनी ज़िंदगी में आपने बख्शना नहीं है, आपको हर एक की टाइप पता होनी चाहिए। अच्छा, भले गलत पता हो कोई बात नहीं, अज्यूम करें, बाद में देखें अच्छा ये तो नहीं लग रहा, एफ तो लग ही नहीं रहा, क्योंकि आपने तो नहीं आठ में टाइप ढूंढनी है ना। जे ऑर्गेनाइज होते हैं बेटा, ऑर्गेनाइज, प्लानिंग, गोल प्लानिंग, देखने में बड़े फौजी स्टाइल के लगते हैं, डिसिप्लिन, लेट वेट नहीं होते, हर काम वक्त से पहले, छुट्टी का दिन भी ऑर्गेनाइज्ड होता है उनका, सोना ऑर्गेनाइज, उठना ऑर्गेनाइज। हाँ, एस मैंने बताया हकीकत पसंद होते हैं, एन जो होते हैं वो आइडियलिस्टिक होते हैं, फलसफा। नहीं, देखिए आपको मैंने इसलिए बताया कि जब तक आपकी बुनियादें सही नहीं होंगी कभी भी दरख्त सही नहीं निकलेगा। ई और आई आर द एटीट्यूड, जे एन पी आर द एटीट्यूड, जे ऑर्गेनाइज एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, पी फ्लेक्सिबल एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, एस एन एन आर द लर्निंग स्टाइल, टी एन एफ आर द डिसीशन मेकिंग क्राइटेरिया। बस इससे ज़्यादा वो नहीं है, आप अगर ज़्यादा उनको करेंगे तो फिर आप गलत, आपका गलत फैसला। रूट्स बिल्कुल अपनी क्लियर रखें। ठीक है जी, टाइप समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा, अब मुझे ये करें, आप कायदे आज़म की पूरी टाइप बताएं, जस्ट रेज दें, टाइम नहीं है अब हमारे पास, दो तीन बहुत ज़रूरी बातें करनी है। जिसको समझ में आ रहा है इनकी, जस्ट रेज योर हैंड, के कायदे आज़म की क्या टाइप थी? आई एन एफ जे। इकबाल की? आई एन एफ पी। पी इसलिए कि इनकी बड़ी शायरी में बड़े वाकयात हैं इनके, कि ये अक्सर लेट हो जाया करते थे, और बड़े फ़िक्रे हैं इनके कि इकबाल कभी वक्त पे नहीं है। हाँ, और भी एक दो शायर हैं कि इतनी देर कर देता हूँ मैं। हाँ, ये पी लोग फिर जस्टिफाई भी तो करते हैं ना अपने देर से आने को, कि वो कहते हैं जो जल्दी आ गया वही बेवकूफ़ है, मैं ही सही हूँ। तो बहरहाल, मगर अल्लाह ने बनाया है तो अल्लाह भी कहते हैं जो पहली सफ में पढ़े उसको भी सवाब है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो बहुत देर से आए, जो सब जा चुके हों, तो उसको भी सबका सवाब है। तो अल्लाह ने ये नहीं कि पी को ज़रा हल्का रखा हो, अल्लाह ने उसको बराबर ही रखा है, यानी कम नहीं किया है। जी सर, क्या टाइप है इनकी? ई एन एफ पी, बिल्कुल। ये ई एन एफ जे हैं, ये ई एस टी जे, आई आई एन टी जे। अपनी टाइप तो सबको समझ आ गई, अब पढ़ें इसको और हर एक की टाइप निकालें और फिर उनका बिहेवियर देखें, ताकि आपको एक यकीन आए कि देखें अल्लाह ने हर शख्स को बहुत ज़्यादा कामयाब करने के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने हर शख्स को कामयाब नहीं, बहुत ज़्यादा कामयाब, तो हम चूंकि उसको जनरलिस्ट बना रहे होते हैं ना कि सब कुछ सीख ले, तो वो जो सीखना होता है उससे भी जाता है वो। अच्छा देखें, एक ये जो पहला कॉलम है इसमें एस है और टी है, सेकेंड कॉलम में एस है और एफ है, थर्ड में एन है और एफ है, फोर्थ में एन है और टी है। इसका भी मतलब है, एस का मतलब समझ लें हार्ड वर्क, और टी का मतलब मशीन। ये जो एस टी लोग हैं ये दुनिया का मशीन चला रहे हैं, निज़ाम चला रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, और मज़े की बात है इनको मज़ा भी आ रहा है चलाने। ये कौन है? एस एफ। एस का मतलब हार्ड वर्क, एफ का मतलब लोग। ये जो एस एफ हैं ये इंसान की खिदमत करना चाहते हैं, खिदमत कर रहे हैं, और इनको इसमें
अल्लाह ने इसी में मज़ा रख दिया कि ये तनख्वाह ही नहीं लेते, ये ज़्यादातर 80% औरतें घरों में बहुत काम करती हैं और इनको पैसे की कोई तमन्ना नहीं होती। ठीक है जी, किसी कभी टी औरतों से काम करा के दिखाएं, आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा जी, यानी एफ औरत की कदर आ जाएगी आपको, ये मेरा मकसद है, वरना टी भी बहुत काम करी। एन का मतलब है आइडियाज़, एफ का मतलब है इंसान। ये जो ये एन एफ टाइप के लोग हैं, ये ह्यूमन डिवेलपर हैं, चाहे शायर हों, अदीब हों, टीचर हों। एन टी कौन है? एन का मतलब आइडिया, डिवेलपर। टी का मतलब बिजनेस। ये जो एन टी हैं, ये बिजनेस डिवेलपर हैं, ये बिजनेस बनाते हैं, ये बिजनेस चलाते हैं, ये इंसान साजी करते हैं, ये इनकी खिदमत करते हैं। सो सिंपल। ठीक है जी, समझ आ गई? अब क्या कन्फ्यूजन है भाई? सब कुछ समझ आ गया, ये इस पैराडाइम में लिखा हुआ थोड़ा कन्फ्यूजन। क्या क्या कन्फ्यूजन है? नजर नहीं आ रहा या मेरी बात समझ नहीं आ रही? एस का मतलब हार्डवर्क, टी का मतलब मशीन। ये हो गए मशीन चलाने वाले, एस का मतलब हार्डवर्क, एफ का मतलब इंसान, ये हो गए खिदमत वाले लोग। हाँ, कॉलम में इनको देख रहे कि ये जो एस टीज हैं, ये दुनिया का निज़ाम चला रहे हैं। एस एफ जो हैं, ये खिदमत कर रहे हैं। एन एफ डिवेलप कर रहे हैं। एन टी बिजनेस डिवेलप कर रहे हैं। सर, जो पर्सनैलिटी टाइप अगर पता चल गया तो अब मुझे उसी भी फोकस करना होगा ना, जस्ट कि इसी को मैं मज़ीद एक्सप्लोर करूँ, इसी में मैं अपने दी बेस्ट हूँ, या जो अदर टाइप्स हैं उनकी तरफ मैं जाऊँ? नहीं, जो जिसकी टाइप है पहले बेहतर है कि उसी में अपॉर्चुनिटी तलाश करें, उसके बाद फिर आप इधर उधर भी जा सकते हैं अगर उसमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। लेकिन आप लोगों के पास इतनी रिसोर्सफुलनेस होनी चाहिए कि आप उसको गाइड कर सकें कि तुम्हारे टाइप से रिलेटेड कौन से शोबे इस वक्त जो हैं वो अवेलेबल हैं या रेलिवेंट हैं, जिनमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, है ना। आपको फिर उसमें रिसर्च होनी चाहिए। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ सिर्फ। ये जो आपने अभी सीखा है ना, ये सिर्फ प्रेफरेंसेस हैं, ये टाइप का बाहर का खोल है। टाइप का जो अंदर का कोर है ना, ये आपको पता ज़रूर होना चाहिए। ये इसके लिए और लंबी नशिस्त चाहिए होगी कि हर टाइप में चार फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन 20 साल तक डेवलप होता है, इसको डोमिनेंट कहते हैं। और ये जैसे कि गाड़ी में चार लोग बैठे हों, ड्राइविंग सीट बराबर में, पीछे दो, तो गाड़ी किसके कंट्रोल में होती है? हाँ, तो हर टाइप का एक ड्राइवर होता है जो कि डोमिनेंट फंक्शन होता है। तो टाइप पता चल जाए तो आपको उस टाइप का ड्राइवर पता चल जाता है। तो हमें कैरियर ऐसा देखना चाहिए जिसमें ड्राइवर मैक्सिमम इन्वॉल्व हो। देखिए, ये ड्राइवर आपकी मोटिवेशन भी है, आपका कोर टैलेंट भी है, आपकी खुशी भी है। इसको आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया किसी भी टाइप के ड्राइवर को, वो बीमार हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा। भले उसको सब कुछ सिखा दें आप, अगर उसका ड्राइवर नहीं एक्टिव है वो आदमी काम, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ड्राइवर रिलेटेड ऑक्यूपेशन कौन से हैं। तो जो सर आपको बुक दे रहे हैं उसमें वो डिटेल मौजूद है। जो डोमिनेंट फंक्शन है वो 20 साल तक डेवलप होता है, 20-40 ऑक्सिलरी डेवलप होता है। ऑक्सिलरी मगर डोमिनेंट को सर्व करता है, नेविगेटर होता है, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, वो डायरेक्शन नहीं दे सकता, वो डायरेक्टर को सर्व करता है। टर्शरी जो होता है ये भी स्ट्रेस फैक्टरी होता है, वो 40 साल के बाद डेवलप होता है, तो हम कहते हैं आदमी मैच्योर हो गया। ये कब डेवलप होता है टर्शरी? 40। और ये जो लीस्ट फंक्शन है ये एट द एज ऑफ 60 डेवलप होता है, हम कहते हैं बुजुर्गी आ गई बंदे में। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि हर टाइप के, कोई भी मिसाल ले लें हम, मैं अपनी मिसाल ले लूं, मेरी टाइप ENFP है, तो मेरा कोर फंक्शन क्या हुआ? N, एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूजन, आइडिया। यानी मेरे जहन में इतने आइडिया आते थे बचपन में, कहता था यार आपका है ना अंधेरा है, मैं उसमें रोशनी निकाल दूँ, इतना। मगर वो शायद मेरी वालदा मुझे बहुत
सपोर्ट करती थी कि आवारगी करने देती थी, वरना आइडिया सोचने वाले को तो आवारा ही कहते हैं ना। तो फिर एफ डेवलप हुआ, फिर टी अब थोड़ा सा डेवलप हुआ है ना, लॉजिक के सेंस। और फिर डिटेल अभी भी मेरा क्या है, एफ स्ट्रेस फैक्टर है, और वो भी आई वाला एस, मेमोरी, भूल जाता हूँ। और यही मेरी स्ट्रेंथ है कि कल एक गड़बड़ हुई, आज भूल के नया दिन, फ्रेश, आगे, ऑप्टिमिस्ट। तो ENFP को कहते हैं दे आर द मोस्ट ऑप्टिमिस्ट ऑफ ऑल द टाइम, क्योंकि उनको उनके गम याद रह ही नहीं सकते। रहते क्यों नहीं है, रह सकते नहीं है, जो चीज़ याद रखती है वो है ही नहीं। ठीक है जी, ये बड़ा, यानी एक लंबे सफ़र में आप लोग जा रहे हैं, और ये सफ़र अभी शुरू हुआ है। तो पहले अपने आप को समझेंगे इंशाल्लाह, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको लोग समझ आते चले जाएंगे। ये वो चार फंक्शंस हैं।